वेलकम टू लर्न लानबी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवेंथ मैथ्स का चैप्टर टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स तो फ्रैक्शन क्या होते हैं जो भी नंबर अपॉन में लिखा हुआ होता है वो फ्रैक्शन होते हैं डेसिमल क्या होते हैं जैसे कि थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट एट ये सारे के सारे डेसिमल्स होते हैं तो पहले हम थोड़े से बेसिक्स देखते हैं फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज ये इस एक्सरसाइज के बेसिक्स हैं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम फ्रैक्शंस को किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमें एग्जाम्पल दिया गया है नॉर्मल नंबर है जैसे सेवन है या फोर है उसको तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे टेबल पढ़ के सेवन फोर जार ट्वेंटी एट हो जाएगा पर जब बातें अपॉन में आती हैं यानी कि फ्रैक्शन में आती हैं तो कैसे होता है हमें बोल रखा है इन्होंने कि हमें अगर एरिया ऑफ़ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ सेवन वन बाई टू सेंटीमीटर है और जिसकी ब्रेथ जो है वो थ्री वन बाई टू सेंटीमीटर है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ यानी कि हमें सेवन वन बाई टू सेंटीमीटर और थ्री वन बाई टू सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो देखो कैसे करेंगे अब ये जो है ये मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सेवन वन बाई टू को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे टू नीचे एज इट इज़ लिखा रहेगा ये सिक्स में भी सीखा हुआ है सेवन की मल्टीप्लाई टू से हो जाएगी तो फोटीन आ जाएगा और ऊपर वाला वन ऐड हो जाएगा तो फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन और फिफ्टीन अपॉन टू हमारा सेवन वन बाई टू फिफ्टीन अपॉइट टू हम लिख देंगे ठीक है वो फुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस मिक्स फ्रैक्शन से इस फॉर्म में कैसे आए सेवन से टू की मल्टीप्लाई करी फोर्टीन और प्लस वन ऐड किया तो फोर्टीन प्लस वन यानी कि फ़िफ्टीन और नीचे वाला जो टू है वो एज इट इज रहता है तो फिफ्टीन बाई टू आ जाएगा दिस इज अ फ्रैक्शन अब इसको देखते हैं थ्री वन बाय टू को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें भी थ्री की मल्टीप्लाई टू से करोगे देखो पहले तो आप लोगों को जो चीज़ समझनी है मिक्स फ्रैक्शन में जो नीचे वाला टू है नीचे वाला नंबर ही एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर क्या लिखेंगे थ्री की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो सिक्स आएगा और ये जो वन है इसको हम ऐड कर देंगे तो यानी कि सेवन बाय टू तो थ्री वन बाई टू को आप क्या लिखेंगे थ्री वन बाय टू को आप लिखेंगे सेवन बाय टू तो इसका मतलब सेवन वन बाय टू हो गया फिफ्टीन बाय टू और थ्री वन बाय टू हो गया सेवन बाय टू अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन बाई टू इंटू फिफ्टीन बाय टू ऊपर वालों की हम मल्टीप्लाई ऊपर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों की दोनों की करेंगे तो नीचे वाला टू टू ज़ा फोर और फिफ्टीन सेवनज़ा क्या होता है देखो सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव सेवन वन जा सेवन और एट नाइन टेन तो फिफ्टीन सेवनज़ा होता है वन हंड्रेड फाइव तो वन हंड्रेड फाइव अपॉन फोर हम लोगों का आ जाएगा तो हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से नीचे वाले की नीचे वाले से तो हमने दो चीज़ें सीखी सीखी नहीं सीखी हमने दो चीज़ें जो सीखी वो ये थी कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर तो अभी हम लोगों ने दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करना सीखा था अब एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है होल नंबर मतलब एक कंप्लीट नंबर है जैसे कि टू हो गया थ्री हो गया इनकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस प्रकार करते हैं अब हमें बोला गया है कि इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो ये जो पिक्चर्स है ना इनको ऑब्जर्व करो इसमें क्या है कि जो शेडेड पोर्शन है वो वन बाय फोर है कैसे देखो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है ये मैंने ना एक सर्कल बनाया ठीक है इस सर्कल को मैंने चार भागों में बाँट दिया इस तरीके से तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए फोर तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन में हमेशा नीचे लिखते हैं कि टोटल पार्ट्स सर्कल में कितने हैं फोर हैं अब मैंने क्या किया मैंने इसका एक पार्ट शेड कर दिया ठीक है तो टोटल पार्ट फोर थे उसमें से शेड कितना किया मैंने एक पार्ट तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि शेडेड पार्ट इसमें कितने हैं तो शेडेड पार्ट इसमें अब वन अपॉन फोर हो जाएंगे कैसे क्योंकि टोटल फोर थे और फोर का एक हिस्सा मैंने शेड किया है तो टोटल हिस्सा कितना शेडेड है एक चौथाई यानी कि वन फोर्थ पार्ट इस सर्कल का शेडेड है होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब आगे देखते हैं इस पे क्या बोला गया है वन बाय फोर पार्ट हमने समझ लिया हाउ मच विल द टू शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट टुगेदर अब दो शेडेड पार्ट अगर हम कर दें तो क्या होगा देखो एक शेडेड पार्ट जो था वो वन अपॉन फोर था अब अगर मैं इस सर्कल के एक और पार्ट को शेड कर दूं तो वो कितना हो जाएगा अब ये हो जाएगा एक और वन अपॉइंट फोर आ गया ये वाला भी वन अपॉइंट फोर आ गया ये वाला भी वन अपॉइंट फोर आ गया तो यानी कि टोटल कितना हो गया टू अपॉन फोर आ रहा है ना समझ में क्योंकि दो पार्ट हमने इस सर्कल के अब शेड कर दिए हैं तो ये टू अपॉन फोर हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है टोटल पार्ट्स तो हमेशा नीचे लिखने हैं अब अगर मैं इस सर्कल के तीन पार्ट शेड कर दूं तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर अब अगर मैं इस सर्कल के चारों के चारों पार्ट शेड कर दू तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फोर अपॉन फोर आई बात समझ जितने भी पार्ट हम शेड कर रहे हैं और जो टोटल है टोटल आप लोग लिखेंगे नीचे और जो पार्ट शेड कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हुए चलेंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर में आप किस तरीके से समझ रहे हैं कि देखो वन अपॉन फोर का एक पार्ट था और हमने दो शेड कर दिए तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे आप मल्टीप्लीकेशन करना सीखो देखो इसको होल नंबर को और फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वन अपॉन फोर को जब आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इस वन की टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे फोर आ जाएगा या फिर अगर आपको वन अपॉन फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो इस वन की थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे फोर हो जाएगा या फिर अगर आपका आपके पास कोई अलग ही नंबर है सेवन अपॉन सपोज करो आपके पास है सेवन अपॉन एट और इनटू में कोई होल नंबर है थ्री तो सेवन की मल्टीप्लाई थ्री से हो जाएगी ट्वेंटी वन और नीचे एट आ जाएगा तो यानी कि जो होल नंबर होता है ना वो फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है ये आप लोगों को याद रखना है तो इस तरीके से यहाँ तक हमने समझ लिया अब और थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं आ, ये तो हाँ सारे के सारे बेसिक्स हैं तो पहले हम ना बेसिक्स समझना चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अब ये है कैन यू नाउ टेल वट दिस पिक्चर विल रिप्रेजेंट अब ये टू पॉइंट फोर पिक्चर है तो ये देखो टोटल गिन लेंगे हम इसमें टोटल कितने पार्ट हैं ये है वन टू थ्री फोर चार पार्ट हैं और शेडेड कितना है एक तो नीचे आप फोर लिखोगे और शेडेड पार्ट है वन तो वन अपॉइंट फोर इसमें वन टू थ्री फोर और शेडेड पार्ट क्या है वन अपॉइंट फोर है फिर से चार हैं पार्ट तो अपॉन फोर लिखेंगे और शेडेड पार्ट कितना है शेडेड पार्ट एक है तो सारे वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट फोर हो रहे हैं और इसमें देखो सारे मिल गए तो वन टू थ्री फोर चार तो टोटल है तो टोटल नीचे और शेडेड पार्ट कितने हैं शेडेड पार्ट है ये तीन तो शेडेड पार्ट ऊपर तो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा अब इस फिगर का भी आपसे कह रहे हैं कि जरा बता के दिखाओ इसमें भी बता दो टोटल गिन लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल कितने हैं नाइन शेडेड कितने हैं टू सिमिलरली टोटल नाइन है शेडेड टू है इसमें भी टोटल आप गिनोगे तो नाइन है शेडेड टू है मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि साफ दिख रहा है इसमें टोटल नाइन है और शेडेड कितने हैं देखो टोटल नाइन है गेलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन शेडेड कितने हैं थ्री और थ्री सिक्स तो सिक्स अपॉन नाइन हो जाएगा मैंने आपको पूरा बुक से क्यों करवाया है क्योंकि एन से बढ़िया नहीं होता कुछ भाई देखो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक से समझा रही हूँ अब नाउ लेटस फाइंड आउट थ्री इन टू वन अपॉन फोर इन्होंने बहुत लंबा तरीका बता रखा है आपको जो करना है वो थ्री की मल्टीप्लाई वन से करनी है तो थ्री आ जाएगा और नीचे अपॉन में टू रह जाएगा तो थ्री अपॉइन टू ये बन गया ठीक हो गया अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि भाई देखो इसका क्या आंसर होगा तो टू अपॉन फाइव सॉरी टू अपॉन थ्री की मल्टीप्लाई फाइव से करोगे तो क्या होगा थ्री नीचे है एज इट इज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो फाइव टू जाए टेन यानी कि टेन अपॉन थ्री आ जाएगा तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला सारा हो गया अब ट्राई दीज में आप लोग ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को ट्राई करना है दिस इज इम्पॉर्टेंट सिंपल सा थ्री की मल्टीप्लाई टू से होगी तो ये सिक्स अपॉन सेवन इस तरीके से सारे हो जाएंगे तो इसमें हमें बताया है टू मल्टीप्लाई अ मिक्स फ्रैक्शन टू अ होल नंबर फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई तो इसका क्या मतलब है अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा ये वाले अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पर देखो फाइव की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं टू थ्री अपॉन सेवन से कैसे करोगे देखो फाइव आगे आगे गया, गया? फिर वही सेवन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा सेवन की मल्टीप्लाई टू से करोगे तो सेवन टू से फोर्टीन और थ्री को ऐड कर दोगे फोर्टीन प्लस थ्री क्या हो जाएगा सेवनटीन हो जाएगा फिर सेवनटीन की मल्टीप्लाय फाइव से करोगे और अपॉन में सेवन आ जाएगा तो ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देख लिया था अब फ्रैक्शन एज अन ऑपरेटर ऑफ तो ऑफ़ मतलब मल्टीप्लाई होता है जहाँ पर भी ऑफ लगता है वहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ पर यही बात आ रही है आप ऐसे लिखें फिफ्टीन ऑफ ट्वेंटी तो यानी कि होगा फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी अपॉन फाइव फ्रैक्शन में आ जाएगा तो अब ट्राई दीज मतलब ऑफ़ की जगह आप करोगे मल्टीप्लाई लगाओगे टेन तो टेन अपॉन टू ऐसे करके आ जाएगा राइट अब ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल हम बाद में सॉल्व करेंगे अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे अब आप होपफुली आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है बेसिक समझ में आया होगा तो बेसिक्स हो गए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन तो हमने यही करा था इससे पहले मैं आपको पूरा यही समझा रही थी देखो हमें क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो यानी कि वन ये चार ड्रॉइंग हैं ये वाली ये क्या शो कर रही हैं ये वाला फिलहाल आप छोड़ो मैं आपको बताती हूँ ये ड्राॅइंग्स क्या शो कर रही हैं आप एक चीज़ देखो कि ये वाली जितनी भी ड्रॉइंग हैं ए वाला जो पार्ट है इसमें कितने बन रहे हैं वन टू थ्री है ना? वन टू थ्री वन टू थ्री यानी कि तीनों के तीनों में तीन पार्ट्स हैं तो अपॉन में क्या आने वाला है तीनों के थ्री आने वाला है है ना? इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं इन दोनों में कितने मतलब इसमें कितने पार्ट शेड हैं दो पार्ट शेड हैं अब ये कितने सर्कल हैं वन टू थ्री तीन सर्कल हैं तो इसकी मल्टीप्लाई अप कर दो तो थ्री से यानी कि ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री इंटू टू बाई थ्री यानी कि थर्ड वाला ए जो है वो थर्ड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है होपफुली आपको समझ में आएगा आया आ गया ही होगा कि वन टू थ्री तीन थे और क्योंकि ये तीन पार्ट्स में डिवाइड थे तो फिर अपॉन थ्री और कितने शेडेड पार्ट है टू और क्योंकि तीन थे तो थ्री से मल्टीप्लाई हमने कर दिया अब ऐसे ही बी वाला देखो कितने हैं ये दो हैं तो पहले तो टू लिख लो ठीक है अब देखो जरा टू किस में आ रहा है या तो ये वाला होगा या तो ये ये वाला होगा अब मल्टीप्लाई करो कितने हैं ये वन टू टोटल टू हैं तो टोटल अपॉन में टू लिख दो शेडेड कितना है वन तो ये हो जाएगा टू इंटू वन अपॉन टू ये वाला यानी कि बी जो है वो सेकेंड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट देखो ये टोटल कितने हैं तीन तो थ्री से मल्टीप्लाई होगी अब तीन तो हैं एक ब्लॉक में कितने हैं वन टू थ्री फोर चार हैं तो अपॉन में फोर आ जाएगा शेडेड कितने हैं वन हैं तो थ्री इंटू वन अपॉन फोर यानी कि सी वाला फोर्थ वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है अब ये बचा तो देखो कितने हैं दो हैं तो यानी कि मल्टीप्लाई टू से होगी डिविजन्स कितने हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव तो अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा फाइव और शेडेड पार्ट कितना है शेडेड पार्ट है एक तो क्या हो गया ये टू इन टू वन अपॉन फाइव और जो ये डी वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी वाला वन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है तो होपफुली आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे कर रहा है अब मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम दोनों इसमें देख लेते हैं क्योंकि दोनों काफी सिमिलर हैं। फिर से इसमें पिक्चर्स की हेल्प से हमें बताना है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखो ये कितने हैं दो है ना तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन किससे होगी मल्टीप्लीकेशन तो भाई टू से होगी राइट right? अब टोटल इसमें कितने पार्ट एक में कितने पार्ट हैं वन टू थ्री तो थ्री अपॉन में आ जाएगा और शेडेड कितने हैं शेडेड तो एक ही है तो यानी कि ये आ जाएगा टू इन टू वन टू अपॉन थ्री तो ये वाला तो ये वाला जो है ए ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड वाले को अब बी पार्ट देखो ये वाला इसमें कितने हैं तीन है तो यानी कि मल्टीप्लाई तो तीन से होगी पार्ट कितने हैं इसमें वन टू थ्री फोर चार पार्ट हैं यानी कि डिवाइड में फोर आएगा शेडेड कितने हैं? शेडेड कितने हैं इसमें वन टू थ्री तीन शेडेड हैं तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन अपॉन फोर इस तरीके से ये आ जाएगा अब इन्होंने इसको और फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसको अब इसको भी हम डिवाइड कर देंगे फोर को नाइन से डिवाइड करेंगे तो फोर टू जा एट ठीक है तो इसमें ऐसा होता है कि फोर ये तो एज इट इज़ रह जाएगा जो डिवीजन वाला है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो साइड में है ये आगे आ जाएगा ये ऐसे होता है ये वाला भी सिक्स क्लास में हम कर चुके हैं तो ये हम इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे नाइन अपॉन फोर और फिर उसके बाद टू वन अपॉन फोर तो बी वाला थर्ड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है समझ में आ रहा है ना ये फैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है फिर उन्होंने दोबारा से आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ही करते हैं ये लोग ये देखो ये टोटल कितने हैं तीन हैं। तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो एक में कितने डिवीजन हैं? वन टू थ्री फोर फाइव तो अपॉन में फाइव आ जाएगा शेडेड कितने हैं वन तो ऊपर वन आ जाएगा अब थ्री की मल्टीप्लाई वन से होगी तो थ्री और अपॉन में फाइव तो सी वाला वन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरीके से ये हमारा हो गया होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका जो पी है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसको ज़रूर ज्वाइन करिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बेनिफिशियल वो होगा थैंक यू सो मच वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन मैथ्स का चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन वन एंड टू देख चुके हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इस जो थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इन टू मिक्सड फ्रैक्शन तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कैसे करते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है कि सेवन इंटू थ्री अपॉन फाइव है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेवन थ्रीजा ट्वेंटी वन और नीचे एज इट इज आ जाएगा ये आ जाएगा ट्वेंटी वन अपॉइंट फाइव अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोग सीखिए कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है वैसे हम लोग सिक्स क्लास में भी कर चुके हैं फिर से देखते हैं ये जो आया है ट्वेंटी वन अपॉइन्ट फाइव तो ट्वेंटी वन को फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन और फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ठीक है डिनोमिनेटर में बचेगा नीचे वन अब कैसे इसको हम लोग लिखेंगे हम जो नीचे फाइव है ना उसको तो एज इट इज़ उतार देंगे फाइव तो एज इट इज रह जाएगा ये जो नीचे वन बचा है ना जो नीचे बचता है उसको आप ऊपर लिख देते हैं और ये जो साइड वाला होता है इसको ऐसे साइड में लिख देते हैं तो मिक्सड फ्रैक्शन आ जाएगी फोर वन अपॉन फाइव तो देखो फाइव एज इट इज लिख दिया जो नीचे डिनोमिनेटर बचा था वो ऊपर आ जाएगा और ये जो साइड में आया था ये साइड में आ जाएगा तो फोर वन अपॉन फाइव हम लोगों की मिस फ्रैक्शन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट है फोर इंटू वन अपॉन थ्री फिर से सेम फोर की मल्टीप्लाई वन से तो फोर अपॉन में थ्री मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए थ्री तो देखो एज इट इज ही आ जाएगा थ्री नहीं है नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा अब इस फोर अपॉन थ्री को आप डिवाइड करोगे थ्री को और यहाँ पे फोर तो थ्री वन जा थ्री नीचे क्या बचा नीचे बचा वन तो वन यहाँ ऊपर आ गया साइड में क्या साइड में भी वन बचा तो साइड में वन तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन आई वो क्या आई वन वन अपॉन थ्री आई इसी तरीके से बच्चों मिक्स फ्रैक्शन सबकी निकलने वाली है थर्ड पार्ट देख लेते हैं टू इन टू सिक्स अपॉन सेवन तो सिक्स टू जा ट्वेल्व यानी ट्वेल्व अपॉन सेवन तो मिक्स फ्रैक्शन में सेवन तो एज इट इज यानी कि नीचे वाला तो एज इट इज इसको डिवाइड कर दो तो सेवन और ट्वेल्व ट्वेल्व को सेवन से डिवाइड करोगे तो सेवन वन 7, सेवन टू जा फोर्टीन यानी कि सेवन वन जा सेवन ट्वेल्व में से सेवन जाएगा तो बचेगा फाइव नीचे क्या आया फाइव तो यहां पर ऊपर लिख देंगे साइड में वन था तो साइड में तो टू इंटू सिक्स अपॉन सेवन को मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखेंगे वन फाइव अपॉन सेवन फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट है फाइव इंटू टू अपॉन नाइन फाइव की मल्टीप्लाई टू से यानी कि टेन अपऑन नाइन ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन के लिए नीचे वाला इज यानी कि नाइन इज टेन को टेन को आप नाइन से डिवाइड करेंगे नाइन वन जा, नाइन नीचे बचेगा वन तो नीचे वन बचा है तो वन ऊपर दिख देंगे साइड में वन है तो साइड में ये आ जाएगा वन वन अपॉन नाइन फिफ्थ पार्ट है टू अपॉन थ्री इन फोर फोर की मल्टीप्लाई टू से हुई तो एट और एट अपॉन थ्री आ गया तो यानी नीचे वाला तो एज इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन में और बाकी हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं थ्री टू जा ja, सिक्स बचा टू नीचे टू तो ये ऊपर साइड वाला साइड में टू टू अपॉन थ्री इज आर आंसर सिक्स पार्ट फाइव अपॉन टू इंटू सिक्स तो सिक्स की मल्टीप्लाई फाइव से ऊपर वाले की ऊपर वाले से होती है ना सिक्स फाइव सा थर्टी अपॉन तो अपॉन में तो टू ऐसे ही आ जाता है अब थर्टी को आप टू से डिवाइड करो तो थर्टी को जब आप टू से डिवाइड करेंगे तो ये तो सीधा सीधा फिफ्टीन आ जाएगा इसको कुछ फ्रैक्शन में आप नहीं लिख पाएंगे तो आपका सीधा आंसर इसका फिफ्टीन ही आ जाएगा ये तो थर्टी को आप टू से डिवाइड करेंगे तो सीधा फिफ्टीन आ जाएगा सेवेंथ अलेवन की मल्टीप्लाई आपने करी फोर अपॉन सेवन से अलेवन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फोर अपॉन में सेवन तो मिक्स फ्रैक्शन में भी अपॉन में तो सेम ही रहता है फोर्टी फोर को जब आप सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेवन 7 फोर्टी नाइन यानी कि क्या आएगा यहाँ पर सेवन 7 फोर्टी नाइन तो सेवन सिक्स 6 सिक्स 6, सा क्या हो गया फोर्टी टू बचा तो क्योंकि नीचे टू बचा तो ऊपर आ जाएगा और साइड वाला साइड में तो सिक्स टू अपॉन सेवन एर्थ पार्ट देखते हैं एर्ट्थ पार्ट में हम लोगों को बोला है ट्वेंटी इंटू फोर अपॉन फाइव ये फोर है बच्चों ट्वेंटी इंटू फोर अपॉन फाइव तो ये हो जाएगा फोर टू जाट तो एट्टी अपॉन फाइव अब ये भी डायरेक्ट कर जाएगा फ़ाइव वन ज़ा फाइव और फाइव सिक्स 30 थर्टी यानी कि सिक्सटीन हमारा यहाँ पर बचता है अब नाइन्थ पार्ट देखते हैं तो नाइन्थ पार्ट जो है उसमें हमारा क्वेश्चन है थर्टीन इंटू वन ऑन थ्री तो इसमें देखो इसमें ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होती है यानी कि थर्टीन की मल्टीप्लाई वन से होगी तो थर्टीन और अपॉन में थ्री एज इट इज आ जाएगा तो जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर मिक्स फ्रैक्शन में सेम ही रहता है तो थ्री एज इट इज़ उतार देंगे हम फिर हम थर्टीन को करेंगे थ्री से डिवाइड प्रो तो, तो हमारे पास आ जाएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचा है वन तो क्योंकि वन नीचे लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको ऊपर लिख देंगे और ये फोर जो साइड में था ये साइड में आ जाएगा तो हमारे पास आएगा फोर वन अपॉन थ्री अब टेंथ जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है फिफ्टीन इंटू थ्री अपॉन फाइव फिफ्टीन की मल्टीप्लाई थ्री से होगी तो फिफ्टीन 3 फोर्टी फाइव और अपॉन में फाइव तो ये तो कम्प्लीटली कट जाएगा क्योंकि फाइव नाइन जोटी फाइव तो ये सारे के सारे पार्ट थे होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन मैथ्स का जो एक्सरसाइज टू पॉइंट वन है उसका अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको तो क्वेश्चन फोर है कि हमें शेड करना है वन बाई टू ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए तो वन बाय टू का मतलब क्या होता है वन बाई टू का मतलब तो होता है हाफ यानी कि टोटल जितने भी सर्कल्स हैं उन सर्कल्स में से हम लोगों को हाफ सर्कल्स को शेड कर देना है तो हम टोटल गिनते हैं कितने हैं तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व टोटल सर्कल्स हैं तो ट्वेल्व का हाफ़ क्या होगा तो टोटल सर्कल्स क्योंकि ट्वेल्व हैं और ट्वेल्व का हाफ 12 बाई टू यानी कि सिक्स होगा तो हम लोग कितने सर्कल्स को शेड कर देंगे हम लोग सिक्स सर्कल्स को शेड कर देंगे कोई से भी सिक्स सर्कल्स को आप शेड कर सकते हैं तो वन एक सेकेंड ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो कोई से भी जो भी आपको सिक्स सर्कल्स लगे आप सिक्स सर्कल्स को शेड कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो मैंने इस तरीके से छः सर्कल्स को शेड कर दिया है क्योंकि वन बाई टू यानी कि आधे सर्कल्स को शेड करना था अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है टू बाई थ्री ऑफ द ट्राइंगल्स यानी कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं ना उन ट्राइंगल्स का टू बाई थ्री आप लोगों को शेड कर देना है तो अब जरा हम देखते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं तो अगर मैं पार्ट बी का देखूँ आपका तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं नाइन है अगर मैं यहाँ पे साइड में ऐसे करके लिखूँ बी के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूँ बी पार्ट के लिए कि टोटल जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं नाइन तो टोटल ट्राइंगल्स आप लिख देंगे कि नाइन है राइट right? अब टू बाई थ्री ऑफ टोटल ट्राइंगल्स तो टू बाई थ्री ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा टू बाई थ्री इंटू नाइन ऐसे ही ये किया जाता है आप लोगों को याद रखना है कि क्या टू बाई थ्री ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी यानी कि टू बाई थ्री इंटू टोटल ट्राइंगल्स यानी कि टू बाई थ्री इंटू नाइन तो थ्री थ्री जा नाइन और थ्री टू जा सिक्स यानी कि आपको बी वाले में कितने ट्राइंगल्स को सर्कल करना है या फिर शेड करना है तो सिक्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स ट्राइंगल्स को हम लोगों ने शेड कर दिया क्यों किया क्योंकि टू बाई थ्री ऑफ ट्राइंगल्स इन द बॉक्स हमें करना था तो जितने भी ट्राइंगल थे नौ ट्राइंगल थे नौ ट्रायंगल का मैंने टू बाई थ्री निकाल दिया तो मेरे पास सिक्स आ गया इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है अब थर्ड वाला भी सेम होगा कि थ्री बाय फाइव ऑफ द स्क्वायर्स यानी कि हम क्या करेंगे थ्री बाय फाइव लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे अब टोटल स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव और फाइव और ये तीन है तो यानी कि ये फिफ्टीन हो गए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो फिफ्टीन स्क्वायर्स हमारे सी में हैं तो थ्री बाय फाइव को मैं फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दूंगी और क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से फ्रैक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फाइव है ये डिवाइड हो जाएगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन और थ्री थ्री जा नाइन यानी कि कितने स्क्वायर्स को शेड करना है हमें हम लोगों को नाइन स्क्वायर्स को शेड कर देना है आगे आप लोगों को समझ के हम लोगों ने क्या किया है बेसिकली हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन से जहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर हमने फ्रैक्शन से डिवाइड किया है तो देखो जैसे कि ये होता है ना थ्री बाय फाइव इंटू फिफ्टीन ये फिफ्टीन इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है बट नीचे वाले के साथ डिवाइड में है तो मैंने काट दिया और आंसर मेरे पास आ गया इन होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अब क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोगों को बोला है कि वन बाई टू इन दोनों का निकालना है फिर बी पार्ट में टू बाई थ्री इनका तो हम इस तरीके से ये करते हुए जाते हैं ये हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोगों को बोला है क्वेश्चन नंबर फाइव का जो ए पार्ट है उसमें बोला गया है हमें वन बाई टू ऑफ ट्वेंटी फोर करना है और सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि फोर्टी सिक्स करना है तो इनका वन बाय टू करना है तो इसका देखो वन बाई टू ऑफ ऑफ की जगह हम क्या लगाते हैं ऑफ़ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखी थी कि वन बाई टू ऑफ़ ट्वेंटी फोर जब हम करेंगे तो क्या होगा काट दे टू से टू वन जा टू 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 जै फोर यानि कि ट्वेल्व आ गया सिंपल सेकेंड फर्स्ट पार्ट ये था सेकेंड पार्ट देखो वन बाय टू ऑफ फोर्टी सिक्स वन बाय टू ऑफ फोर्टी सिक्स क्या होगा इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे वन बाय टू इन टू फोर्टी सिक्स अब फोर्टी सिक्स वन के साथ तो मल्टीप्लाई में है बट टू के साथ डिवाइड में है तो फोर्टी सिक्स को आप टू से डिवाइड कर दोगे टू से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा टू टू ज फोर और टू थ्री ज़ा सिक्स यानी कि ट्वेंटी थ्री आपका आंसर आ जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करना है अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं बिल्कुल सेम है सिंपल है होपफुली फुली अच्छे से समझ में आ रहा होगा टू बाय थ्री ऑफ एटीन है ना फर्स्ट पार्ट है टू बाई थ्री ऑफ एटीन तो वही करेंगे देखो इसमें भी टू बाई थ्री ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एटीन थ्री सिक्स जा एटीन और सिक्स टू जा ट्वेल्व अब इसका सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट है इसका टू बाई थ्री ऑफ ट्वेंटी सेवन तो टू बाई थ्री ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे और ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन और टू नाइन ज़ा एटीन ये हो गया ठीक है ये इसके आंसर हो गए बस सारे के सारे हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करते जाने हैं सी पार्ट देख लेते हैं थ्री बाई फोर ऑफ़ फर्स्ट है हमारा सिक्सटीन और सेकेंड है हमारा थर्टी सिक्स तो थ्री बाय फोर ऑफ़ की जगह मल्टीप्लाई और सिक्सटीन तो फोर फोरज़ा सिक्सटीन और फोर थ्री जा क्या होता है ट्वेल्व होता है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया ट्वेल्व सेकेंड पार्ट देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में देखो हमारे पास है थ्री बाय फोर ऑफ़ करना है थर्टी सिक्स से तो थ्री बाय फोर ऑफ की जगह आप लगाओगे मल्टीप्लाई और थर्टी सिक्स तो फोर एट जा क्या हो सॉरी फोर जा क्या होता है फोर जा होता है थर्टी सिक्स और नाइन थ्री क्या होता है ट्वेंटी सेवन क्योंकि आपने फोर से काटा तो नाइन बचा ऊपर और नाइन के मल्टीप्लाई जब आप थ्री से करोगे तो बनेगा ट्वेंटी सेवन तो हमारे सी पार्ट का ये आंसर हो गया ठीक हो क्या अब हम देख लेते हैं डी पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का डी पार्ट में हमें बोला गया है फोर बाय फाइव ऑफ फर्स्ट है आपका ट्वेंटी और सेकेंड है आपका थर्टी फाइव देखो फोर बाय फाइव ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट पार्ट देखते हैं अगर हम तो फोर बाय फाइव ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फोर फोर ज़ा आपके पास आ जाएगा सिक्सटीन राइट नेक्स्ट अगर आप सेकेंड पार्ट देखें तो फोर बाय फाइव ऑफ थर्टी फाइव ठीक है इसको क्या करेंगे फोर बाय फाइव ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इन टू थर्टी फाइव फाइव से काटोगे थर्टी फाइव को तो फाइव सेवनजा फाइव सेवनजा थर्टी फाइव सेवन फोर्जा क्या आ जाएगा सेवन फोर जा आ जाएगा ट्वेंटी एट तो डी का जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर आ गया आपके पास ट्वेंटी एट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है उसमें देखो हमें यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा ये हम लोग देख लेते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तो चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो पहला पार्ट है ए पार्ट थ्री इंटू फाइव वन अपॉन फाइव ठीक हो गया तो थ्री इंटू फाइव अब देखो इसमें क्या मैं आपको ना इसको ऐसे करके लिख के दिखाती हूँ ये है फाइव और ऐसे वन अपॉन फाइव हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी सीखा था या बेसिक्स जो था उसमें भी सीखा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देखो इसको सॉल्व करने का तरीका फ़ाइव वन अपॉन फाइव है तो ये जो नीचे वाला फ़ाइव है ना अपॉन में ये एज इट इज़ रहेगा मतलब इसमें ये वाला जो फाइव है ये एज इट इज़ रहेगा फिर फाइव और फाइव की मल्टीप्लाई होगी फाइव फाइव की मल्टीप्लाई होगी ठीक है और ये जो ऊपर नंबर है ये वाला एडिशन में आएगा तो हमारे पास आएगा फाइव फाइव 25 ट्वेंटी फाइव प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव यानी कि ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव ठीक है तो ये फाइव वन अपॉन फाइव क्या बनेगा ये बनेगा ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे इस ट्वेंटी सिक्स और थ्री की मल्टीप्लाई ट्वेंटी सिक्स और थ्री क्या होगा सिक्स जा एटीन थ्री टू जा सिक्स और सेवन तो यानी कि 78 एट अपॉन फाइव आपका फ्रैक्शन आ जाएगा बट इनको क्वेश्चन में क्या है अब फिर से मिक्स फ्रैक्शन बनाओ तो फिर से मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको डिविजन करना पड़ेगा ये भी इससे पहले के भी क्वेश्चन में है तो अब फाइव से जब आप सेवेंटी एट को डिवाइड करोगे तो फाइव वनजा यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखती हूँ ताकि आपको ईजी रहे फाइव वनजा फाइव उ बचेगा, 8 नीचे आ जाएगा 5 5 25 क्या बचा डिनोमिनेटर या फिर रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर क्या बचा 3 तो अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं देखो ये जो 5 है ना ये तो नीचे एज इट इज ही रहेगा जो आपका रिमाइंडर बचा था ना ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो इधर साइड में था ये ऐसे साइड में आ जाएगा तो मिक्सड फ्रैक्शन जब हम इसकी बनाएंगे तो हमारा बनेगा फिफ्टीन थ्री बाय फाइव बी पार्ट देखते हैं इसका फाइव इन टू सिक्स थ्री बाय फोर सेम प्रोसेस अप्लाई होगा फाइव की मल्टीप्लाई इस फोर की मल्टीप्लाई सिक्स से होगी देखो फोर तो अपॉन में एज इट इज आ जाएगा इस फोर की मल्टीप्लाई सिक्स से होगी तो सिक्स फोर जो क्या होता है सिक्स फोरजा होता है ट्वेंटी फोर और फिर ट्वेंटी फोर ऐड होगा थ्री में तो ये बन जाएगा ट्वेंटी सेवन तो ये आ जाएगा फाइव इंटू ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर अब ट्वेंटी सेवन की मल्टीप्लाई जब आप फाइव से करोगे तो आपके पास आएगा वन थर्टी फाइव अपॉन फोर अब आप क्या करोगे अब आप फिर से वन थर्टी फाइव को फोर से करोगे डिवाइड फोर थ्रीजा ट्वेल्व माइनस वन और फिफ्टीन और फोर थ्रीजा ट्वेल्व रिमाइंडर बचेगा थ्री तो आपका देखो फोर तो एज इट इज नीचे आएगा नीचे वाला जो रिमाइंडर है ये ऊपर आएगा और ये साइड वाला आगे आएगा ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन अब सी पार्ट देख लेते हैं सी पार्ट में हमें बोला गया है सेवन इंटू टू वन बाय फोर ठीक है देखो सेवन एज इट इज फोर की मल्टीप्लाई टू से करोगे तो एट और वन ऐड करोगे तो नाइन अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ नाइन बाय फोर अब क्या करोगे सेवन नाइनजा क्या होता है सेवन नाइनजा होता है सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री अपॉन फोर अब इसको डिवाइड कर दोगे सिक्सटी थ्री को फोर से डिवाइड करोगे तो फोर वनजा फोर टू रिमाइंडर और थ्री ठीक है तो फोर फोर जो सिक्सटीन फोर फाइव जर ट्वेंटी और नीचे बचा थ्री तो इसको फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे अपॉन में आएगा फोर ये जो रिमाइंडर था ये जाएगा ऊपर और ये जो साइड में था ये आ जाएगा इधर साइड में तो आपका आएगा फिफ्टीन थ्री बाय फोर डी पार्ट देख लेते हैं बच्चों चलो फोर इन टू सिक्स वन बाय थ्री फोर थ्री सिक्स जा एटीन और एटीन प्लस वन नाइनटीन तो नाइनटीन अपॉन थ्री नाइनटीन की मल्टीप्लाई फोर से करोगे तो क्या आएगा सेवेंटी सिक्स नाइनटीन फोर जा होता है सेवेंटी सिक्स और अपॉन में थ्री अब फिर से डिवीजन, सेवेंटी सिक्स को आप थ्री से डिवाइड करोगे तो थ्री टू जा सिक्स और थ्री फाइव ज फिफ्टीन तो रिमाइंडर बचा वन तो आप क्या करोगे थ्री नीचे एज इट इज जो रिमाइंडर बचा नीचे बचा वो ऊपर और जो साइड बचा वो साइड तो ट्वेंटी फाइव वन अपॉन थ्री हो गया ये वाला नेक्स्ट आप देखो ई पार्ट जो है कई सारे पार्ट हैं इसके थ्री वन अपॉन फोर इंटू सिक्स फिर वही होगा देखो वन अपॉन फोर नीचे वाला एज इट इज़ नीचे वाला इसमें एज इट इज फोर थ्रीज़ा ट्वेल्व और प्लस वन थर्टीन इंटू सिक्स देखो कैसे हुआ ये थ्री वन अपॉन फोर था तो फोर थ्री फोर नीचे एज इट इज़ बचा फोर थ्रीज़ा ट्वेल्व यानी कि थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर और प्लस ऊपर वाला तो ये हुआ ट्वेल्व प्लस वन अपॉन फोर यानि कि थर्टीन अपॉन फोर ये बच्चा थर्टीन अपॉन फोर हुआ तो थर्टीन जा क्या होता है थर्टीन जा जो है वो हमारे पास अच्छा ये हम ना काट देते हैं इसको कट रहा है ना क्योंकि टू टू जा फोर और टू थ्री जा सिक्स तो थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन अपॉन टू अब फिर से सेम प्रोसेस करते हुए हम लोग करेंगे डिवाइड थर्टीन को आप थर्टी नाइन को टू से डिवाइड करो टू वन जा टू और टू नाइन ज़ा एटीन बचा वन डिवीज़न में आपका टू आएगा रिमेंडर वन है ये ऊपर आएगा और ये जो नाइनटीन है ये आगे आएगा तो ये आ जाएगा नाइनटीन वन अपॉन टू ठीक हो गया अब एफ पार्ट देख लेते हैं एफ पार्ट लास्ट पार्ट है थ्री टू अपॉन फाइव इन फ़ाइव तो नीचे एज एट इज़ रहेगा फ़ाइव की मल्टीप्लाई थ्री से होगी तो फाइव थ्री जो फिफ्टीन आएगा और टू ऐड हो जाएगा तो सेवनटीन सेवनटीन इंटू एट तो सेवनटीन की मल्टीप्लाई एट से जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है वन थर्टी सिक्स तो सेवनटीन एट जहाँ होता है वन थर्टी सिक्स वन थर्टी सिक्स को आप फाइव से डिवाइड करो वन थर्टी सिक्स को जब आप फाइव से डिवाइड करोगे तो फाइव टू ज़ा टेन और फाइव फाइव जटी फाइव तो डिवीज़न में आएगा फाइव रिमाइंडर में वन जो कि ऊपर आएगा और जो साइड वाला है वो आगे आएगा तो जो एफ पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव वन अपॉन फाइव तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन सिक्स देख लिया अब क्वेश्चन सेवन और एट हम लोग आगे की वीडियो में कवर करते हैं नहीं तो वीडियो बढ़िया हो जाएगी थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ मैथ्स एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का हम क्वेश्चन सेवन अब देखने वाले हैं इससे पहले के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन है हमें फाइंड करना है वन बाई टू ऑफ दिस फाइव बाई एट ऑफ दिस तो करते हैं ए पार्ट है वन बाई टू ऑफ टू थ्री बाई फोर यानी कि फर्स्ट पार्ट अब हम इसका देख रहे हैं तो चलो फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर करते हैं वन बाई टू इन टू ये देखो जो फ़ोर है ना नीचे वाला ये तो एज इट इज़ रहेगा फोर टू ज़ा एट इस वाले से मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला ऐड किया जाता है ये मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ तो फोर टू ज़ा एट और प्लस थ्री यानी कि अलेवन कैसे है ये ये भी मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ ये जो अपॉन वाला है ना ये तो एज इट इज़ रहता है इस और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर वाला ऐड होता है तो फोर अपॉन में एज इट इज़ रहेगा फोर टू जहाँ एट और प्लस थ्री यानी कि अलेवन अपॉन फोर इतना हो गया साइड में आप क्या करना है नीचे वालों की नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वालों की ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वन इन टू अलेवन इज अलेवन एंड फोर टू एट तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास अलेवन अपॉन एट अब इसको हमें ये भी बोला गया है कि मिक्स फ्रैक्शन में तो करने के लिए नहीं बोला है बट अगर हमें इसको मिक्सड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे अलेवन को हम क्या करेंगे अलेवन को हम लोग एट से करेंगे डिवाइड तो 8 वनजा एट बचा थ्री राइट right? तो एट तो एज इट इज आ जाएगा नीचे जो डिवीजन में थ्री है ये ऊपर चला जाएगा साइड का वन आगे आ गया जाएगा तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा वन थ्री अपॉन एट नेक्स्ट देखो इसमें बोला गया है वन बाय टू देखो मिक्स फ्रैक्शन नहीं निकालनी है तो हम छोड़ सकते हैं इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं वन बाय टू ऑफ फोर टू बाय थ्री अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें बोला गया है वन बाई टू ऑफ फोर टू बाय नाइन यही बोला है ना तो वन बाई टू मल्टीप्लाई में नाइन डिवीजन में आएगा नाइन फोरजा क्या होता है नाइन जो जी नाइन नाइन टू जी एटी नाइन टी ट्वेंटी सेवन और नाइन फोरजा होता है थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स और प्लस का टू यानी कि ये हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू थर्टी एट अपॉन नाइन अब एक चीज़ आपको जो यहाँ पे देखनी है वो ये है कि ये कट भी रहा है टू वन ज़ा टू और टू नाइन ज़ा एटीन यानी कि ये क्या बचा ये बचा नाइनटीन अपॉन नाइन और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा टू वन अपॉन नाइन वही डिविजन करके साइड में आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन का बी पार्ट फाइव बाई एट ऑफ फर्स्ट है थ्री फाइव अपॉन सिक्स फाइव बाई एट ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगाओगे okay. अब देखो ये सिक्स जो कि डिवीजन में है तो सिक्स जा एटीन और प्लस फाइव तो एटीन में आप लोग फाइव प्लस करेंगे तो आएगा ट्वेंटी थ्री अब इसमें क्या करेंगे हम लोग इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 115 और 6 एट होता है 48। तो ये हो जाएगा 115 हंड्रेड अपॉन फोर्टी या फिर 2 नाइनटीन अपॉन फोर्टी ये कैसे तो वही देखो मिक्स फ्रैक्शन वाला मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है और आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना ठीक है चलो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लिया हमने बी का अब हम बी का सेकेंड पार्ट देखते हैं तो बी का जो सेकेंड पार्ट है वो है नाइन हाँ बी का जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारे पास फाइव बाई एट ऑफ नाइन टू बाई थ्री फाइव बाय एट ऑफ की जगह मल्टीप्लाई थ्री एज इट इज थ्री आर ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन की मल्टीप्लाई जब आप फाइव से करोगे तो आपके पास आएगा वन फोटी फाइव है ना और एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको लिखना है तो आपका आ जाएगा सिक्स वन अपॉइंट फोर देखो डिवाइड कर लो यहाँ पर हम्म अब ट्वेंटी वही देखो डिवीजन वाला वैसे मिक्स फ्रैक्शन में आपको बोला नहीं है बट कई बार एग्जाम में आपको बोल देते हैं तो ट्वेंटी फोर की टेबल में जो है वो कितने टाइम्स आएगा तो देख लेते हैं ट्वेंटी फोर की टेबल में ट्वेंटी फोर और थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते फोर्थ यजा ट्वेल्व थ्री जो सिक्स सेवन नहीं सेवन भी नहीं आ रहा एक बार चलो सिक्स टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ट्वेंटी फोर सिक्स सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर सिक्स जो ट्वेल्व थर्टीन तो सिक्स टाइम्स वन फोर्टी फोर आ रहा है रिमाइंडर वन बच रहा है तो इस तरीके से नीचे तो ट्वेंटी फोर ही आएगा रिमाइंडर ऊपर ये वाला साइड में तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ठीक है चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन के हमारे दोनों पार्ट हो गए अब हम क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट जो है इसमें हमें बोला है कि जो विद्या और प्रताप हैं ये दोनों पिकनिक पर गए हैं इनकी मदर ने इनको वॉटर बॉटल दी है जिसमें पाँच लीटर पानी है मतलब इनकी मदर ने इनको वाटर बॉटल दी है जिनमें पाँच लीटर पानी है विद्या ने टू बाय फाइव वाटर पी लिया तो प्रताप ने बचा हुआ पानी पिया तो विद्या ने कितना पानी पिया और वट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर प्रताप ड्रिंक यानी कि विद्या ने कितना पानी पिया और प्रताप ने कितना पानी पिया ये हम लोगों को बताना है बस तो क्वेश्चन नंबर एट में आपको एक ड्राॅइंग सी बना के बताती हूँ एक बॉटल थी बॉटल की कैपेसिटी थी कितनी इस तरीके की बॉटल थी तो मोमबत्ती बना थी मैंने चलो मैं एक अच्छी सी बॉटल बनाती हूँ बॉटल है ठीक है अच्छी सी तो मेरे से नहीं बन पाएगी शायद ठीक है ये बॉटल है बॉटल में कितना पानी आ रहा है पाँच लीटर तो टोटल तो पाँच लीटर पानी बॉटल में आ रहा है अब विद्या ने तो टोटल तो वाटर लिख लेते हैं टोटल तो वाटर कितना है टोटल वाटर है फाइव लीटर विद्या ड्रिंक विद्या ने कितना पिया टू बाय फाइव ऑफ फाइव यानी कि पाँच लीटर में से टू बाई फाइव विद्या ने पी लिया तो विद्या ने कितना पिया टू बाय फाइव इन टू फाइव फाइव से फाइव कटा यानी कि टू लीटर तो विद्या ने कितना पानी पिया विद्या विद्यांक टू लीटर वाटर तो विद्या ने कितना पानी पिया विद्या ने पानी पिया दो लीटर आई बात आपको समझ आपको जो बात समझ आई वो ये है कि विद्या ने भाई दो लीटर पानी पी लिया है ठीक है तो बचा हुआ ये आपका ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया यही पूछा था क्योंकि हमें बोला है कि पांच लीटर टोटल पानी है उसमें से टू बाय फाइव विद्या ने पिया तो विद्या ने कितना पिया तो टू बाय फाइव ऑफ फाइव यानी टू लीटर बी में हमें पूछा गया है कि प्रताप ने कितना पानी पिया प्रताप ने प्रताप ने बाकी बचा हुआ पानी पिया होगा राइट right? तो टोटल वाटर माइनस विद्या ठीक है विद्या कंज्यूम्ड की जितना पानी टोटल था उसमें से विद्या ने जितना पी लिया तो बाकी बचा हुआ किसने पिया बाकी बचा हुआ पिया प्रताप ने तो प्रताप ने कितना पानी पिया सॉरी प्रताप ने पानी पिया तीन लीटर सिंपल सा या फिर एक और तरीका है करने का टोटल फाइव था विद्या ने पिया टू बाय फाइव सॉरी है ना ये लिखा था ना फिर आप तो भी आंसर थ्री ही आना है कुछ भी कर लो आंसर थ्री आएगा तो थ्री लीटर वाटर विद्या ने कंज्यूम किया विद्या सॉरी विद्या ने टू लीटर कंज्यूम किया और प्रताप ने बचा हुआ तीन लीटर तो आपको भी दिख रहा है कि अगर विद्या दो लीटर पी गई तो प्रताप कितना पी पाएगा इसमें से प्रताप तो अब तीन ही पी पाएगा ना तो प्रताप ने थ्री पिया और विद्या ने टू तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है थैंक यू सो मच वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ मैथ्स की बुक का चैप्टर टू फ्रैक्शन इन डेसिमल की एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का हम क्वेश्चन नंबर वन देखने वाले हैं इससे पहले हम पूरी एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं टू पॉइंट वन तो हम इसका क्वेश्चन टू देखते हैं क्वेश्चन टू में हमें बोला गया है वन बाई फोर ऑफ ए पार्ट है वन बाय फोर बी पार्ट है थ्री बाई फाइव और सी पार्ट है फोर बाय थ्री ये यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है चलो सॉल्व करते हैं तो वन बाय फोर ऑफ़ ए पार्ट हम पहले ले रहे हैं तो वन बाय फोर ऑफ वन बाय फोर ही आएगा यानी कि वन बाय फोर ऑफ़ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ वन बाय फोर ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो नीचे वाले की नीचे वाले से करो फोर फोर जा सिक्सटीन तो जो ए पार्ट है उसका आंसर हमारे पास आ गया वन बाय सिक्सटीन अब हम बी पार्ट कर लेते हैं बी पार्ट जो है बी पार्ट में हम लोगों को क्या है बी पार्ट थ्री बाय फाइव यानी कि वन बाय फोर ऑफ थ्री बाय फाइव तो वन बाय फोर ऑफ थ्री बाय फाइव वन बाय फोर ऑफ़ की जगह मल्टीप्लाई और थ्री बाय फाइव तो वन थ्री ज़ा थ्री और फाइव फोर ज़ा क्या हो जाएगा ट्वेंटी तो बी पार्ट में आ जाएगा आपका थ्री बाई ट्वेंटी आंसर सी पार्ट जो है वो है वन बाय फोर ऑफ़ वन बाय फोर ऑफ फोर बाय थ्री तो हम क्या करते हैं ऑफ़ की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई और फोर बाय थ्री अभी देखो ये फोर है फोर है कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा वन बाय थ्री तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इसका तीनों का आंसर आ गया फर्स्ट वाले के तीनों का अब सेकेंड वाले का जो है वो सबका आंसर निकाल लेते हैं तो जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोगों को बोला गया है वन बाय सेवन है ना ऑफ ए पार्ट करते हैं पहले टू बाय नाइन तो क्या होगा जैसे ये हुआ था देखो फिर से सिमिलर रेपेटेटिव है सब कुछ वन बाय सेवन ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और टू बाय नाइन वन मल्टीप्लाई बाय टू टू और सेवन नाइनजा क्या हो गया सेवन नाइनज़ा हमारे पास होता है सिक्सटी थ्री राइट सेवन नाइनजा हमारा सिक्सटी थ्री होता है तो नीचे सिक्सटी थ्री आ जाएगा तो ए पार्ट हो गया बी पार्ट में हम लोगों को क्या बोला गया है बी पार्ट है हमारा वन बाय सेवन ऑफ सिक्स बाय फाइव तो सॉल्व करते हैं वन बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स बाय फाइव वन की मल्टीप्लाई सिक्स से हुई तो सिक्स और सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो आंसर आ गया सिक्स बाय थर्टी फाइव नेक्स्ट देखो जो इसका सी पार्ट है सी पार्ट में हम लोगों को करना है वन बाय सेवन ऑफ थ्री बाय टेन वन बाई सेवन इंटू थ्री बाय टेन ऊपर वाले के ऊपर वाले से नीचे वाले की नीचे वाले से तो थ्री अपॉन सेवेंटी ये हमारा हो गया क्वेश्चन वन कंप्लीट अब क्वेश्चन टू देखते हैं क्वेश्चन टू भी देखो बिल्कुल सेम है हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लोएस्ट फॉर्म जो भी पॉसिबल है उसमें आप लोगों को इसको चेंज कर देना है थर्ड पार्ट में भी जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि फैक्शंस में कौन सा बड़ा है और बाकी जो ये फाइव सिक्स सेवन एट ये हैं हमारे थोड़े वर्ड वाले क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसमें भी सिम्बलर मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करने को बोला गया है इन द लोएस्ट फॉर्म तो टू का फर्स्ट पार्ट है टू बाई थ्री इंटू टू इंटू टू बाई थ्री पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से हमें जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी होती है तो टू बाई थ्री इन टू ये देखो थ्री जो है ना ये वाला ये एज इट इज़ नीचे आएगा इस थ्री की मल्टीप्लाई टू से होगी तो ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स और ऊपर वाले में टू ऐड हो जाएगा तो सिक्स प्लस टू एट अब एट टू जा सिक्सटीन और थ्री थ्री जा नाइन तो सिक्सटीन अपॉन नाइन क्या ये और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है तो देखो नाइन और क्या बचेगा रिमाइंडर में रिमे देखो हम लोगों का रिमेंडर में बच रहा है सेवन तो इसको कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे ऐसे नाइन एज इट इज जो रिमाइंडर नीचे बचा है ये ऊपर और ये जो इधर वन है ये इधर आगे तो वन सेवन अपॉन नाइन सेकेंड पार्ट ट्वेंटी सेवन टू बाय सेवन सॉरी इन सेवन बाय नाइन इसमें क्या करना है हम लोगों को बहुत सिंपल है सेवन से सेवन काट दो और बचेगा टू बाय नाइन बस सॉल्व सिंपल था ना थर्ड पार्ट थ्री बाय एट इंटू सिक्स बाय फोर तो ये भी देखो कट रहा है पहले तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना तो ये देखो टू थ्री जा सिक्स और टू फोर जा एट तो ये हो जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन और फोर फोर ज़ा सिक्सटीन नाइन बाई सिक्सटीन अब नाइन बाई सिक्सटीन से आगे क्या ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो नो नहीं हो रहा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे फोर्थ पार्ट है हमारे पास नाइन बाय फाइव इंटू थ्री बाय फाइव और हम लोग इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इम्प्रॉपर वो जो है फ्रैक्शन में क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बड़ा है जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो जरूरत नहीं पड़ती चलो फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव और नाइन थ्री ज़र ट्वेंटी सेवन अब देखो ये नीचे वाला क्या है छोटा है जब नीचे वाला छोटा है ना तो फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है फाइव वन ट्वेंटी फाइव वन जै ट्वेंटी फाइव बच्चा टू तो क्या आएगा नीचे तो ट्वेंटी फाइव एज इट इज रहेगा जो डिवीज़न में टू है वो ऊपर आ जाएगा और साइड वाला आगे तो वन टू पॉइंट फाइव ठीक है फोर्थ पार्ट हो गया फिफ्थ पार्ट देखो वन अपॉन थ्री इंटू फिफ्टीन अपॉन ऐट वन की मल्टीप्लाई फिफ्टीन से तो फिफ्टीन ऐट की मल्टीप्लाई थ्री से ट्वेंटी फोर देखो नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है राइट right? बट ये थ्री से कट रहे हैं अभी भी तो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन और थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर तो फाइव अपॉन एट आ जाएगा लोएस्ट स्मॉलेस्ट बताना है ना लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जितना आप काट सकते हैं उतना काटेंगे नेक्स्ट है अलेवन अपॉन टू इंटू थ्री अपॉन टेन तो ये हो जाएगा थर्टी थ्री अपॉन ट्वेंटी तो ये देखो नीचे वाला छोटा है तो इसको डिवाइड कर दो मिक्स फ्रैक्शन में है ना ये थर्टीन बचा तो यह आ जाएगा वन थर्टीन अपॉन ट्वेंटी नीचे वाला एज इट इज ये थर्टीन था ये ऊपर चला गया और ये वन साइड में आ गया अब सेवेंथ पार्ट देखो सेवेंथ और लास्ट पार्ट फोर अपॉन फाइव इंटू ट्वेल्व अपॉन सेवन ट्वेल्व फोर ज फोर्टी एट सेवन फाइव जै थर्टी फाइव तुम्हें एक्सप्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्टी एट को थर्टी फाइव से डिवाइड करेंगे थर्टी फाइव वन सा थर्टी फाइव ठीक है ये थर्टी फाइव एज इट इज़ ये जो नीचे था ये ऊपर और ये साइड में वन थर्टीन अपॉन थर्टी फाइव ठीक हो गया चलो तो हमारे ये दो क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री पर जाते हैं हम लोग तो आ, या फिर हम क्वेश्चन नंबर थ्री चलो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे थ्री और फोर आगे के हम क्वेश्चंस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ मैथ्स चैप्टर टू फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का क्वेश्चन थ्री अब हम देखेंगे इससे पहले कि हम लोग कवर कर चुके हैं लिंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा मल्टीप्लाई था फॉलोइंग फ्रैक्शन देखिए बेसिकली इस चैप्टर में आप लोगों को मल्टीप्लाई ही करना है अलग अलग तरीके से जो ये सेकेंड क्वेश्चन में था सेम टू सेम चीज़ आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन में भी करनी है सेम चीज़ आपको फोर्थ पे भी करके बस बता देना है कि कौन सा बड़ा होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर टू में जो चीज़ करी थी ना आपने वही चीज़ आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में भी करने वाले हो तो थ्री देख लेते हैं जो मैंने एट जैसा बना दिया है तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आपका जो नया सिलेबस है उसका हम देख रहे हैं नई बुक है ना चेंज हुई है टू बाई फाइव इन टू फाइव वन अपॉन फोर जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ये जो फ्रैक्शन होती है इसको हम लोग मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं तो टू अपॉइंट फाइव ये वाला एज इट इज उतार दोगे आप इसको कैसे करते हैं फोर ऐसे ही उतार दोगे फ़ोर की मल्टीप्लाई फ़ाइव से करोगे तो फाइव फोरज़ार ट्वेंटी हो जाएगा और ये जो ऊपर वन है इसमें ऐड कर दोगे फिर ये क्या होगा देखो टू अपॉइन्ट फाइव इंटू ट्वेंटी प्लस वन कि ट्वेंटी वन अपॉन फोर अगर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे तो काट दो अब अगर नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले की ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे वाले से बट कट रहा है क्योंकि टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर तो ऊपर बचा ट्वेंटी वन और नीचे बचा फाइव टू ज़ा टेन अब क्योंकि ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इम प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिरीटर से तो ट्वेंटी वन अपॉन टेन को आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप ट्वेंटी वन को टेन से डिवाइड करोगे टेन टू जा ट्वेंटी नीचे बचा वन तो जो नीचे बचता है वो ऊपर आता है ये जो यहाँ पे टेन है नीचे वाला ये एज़ इट इज़ रहता है और साइड वाला साइड में आ जाता है तो टू वन अपॉन टेन हमारा हो जाएगा ये बात हम बहुत बार देख चुके हैं चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट टू है उसमें हमें बोला गया है सिक्स टू अपॉन फाइव इंटू सेवन अपॉन नाइन तो वही कि फाइव एज इट इज उतर जाएगा सिक्स फाइव थर्टी और टू एड हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय सेवन अपॉन नाइन तो थर्टी प्लस टू हो जाता है थर्टी टू अपॉन फाइव इन टू सेवन अपॉन नाइन अगर कुछ कट रहा है तो काट दो तो, नहीं कट रहा तो एज़ इट इज़ मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है तो हम लोग एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले की नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई होती है तो नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव देखो ऐसा लग रहा है कि स्माइल कर रहा है चलो दो मेरे इसको और थर्टी टू को आप जब सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन और सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू यानी कि टू ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी फाइव अब नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है यानी कि ये इम फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे अब फोर्टी फाइव जो है वो फोर टाइम्स कर देते हैं हम मल्टीप्लाई तो फाइव फोर ज़र ट्वेंटी फ़ोर फोर ज़ै सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन फ़ाइव टाइम्स अगर मैं करके देखूँ तो फ़ाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फ़ाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो बढ़ा आ रहा है तो यानी कि फ़ोर टाइम्स हम करेंगे तो वन एट्टी आएगा माइनस करो बचा फ़ोर और ट्वेल्थ में से एट गया कैरी लिया तो बचा फ़ोर फोर्टी फोर बच गया तो यानी कि ये फोर्टी फाइव नीचे वाला एज इट इज़ ये जो रिमाइंडर बचता है ये ऊपर आता है और ये जो साइड वाला होता है ये साइड में तो आपका जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर आया है फोर फोर्टी फोर अपॉन फोर्टी फाइव तो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखा दी वाला रफ होता है इसलिए मैं रब कर देती हूँ तो सेकेंड क्वेश्चन का सेक थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया अब देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है, third part. Third part है थ्री अपॉन टू इंटू फाइव वन अपॉन थ्री तो थ्री अपॉन टू इंटू अभी जो थ्री है एज इट इज फाइव थ्री जा फिफ्टीन और प्लस वन सिक्सटीन थ्री से थ्री कटा और टू एट जा सिक्सटीन तो क्या आंसर आ गया इसका आंसर तो बेटा सिंपल सा आ गया एट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में हमें बोला है कि भाई फाइव अपॉन सिक्स की मल्टीप्लाई आप टू थ्री अपॉन सेवन से कर दो तो फाइव अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई लगाएंगे ये जो सेवन है इसको एज इट इज़ नीचे सेवन उतार दो सेवन की मल्टीप्लाई टू से फोटीन और फोटीन में थ्री ऐड किया तो सेवनटीन क्या कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू और सेवनटीन फाइव ज़ा होता है एट्टी फाइव अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिरेटर से तो हम इसको मिक्सड फॉर्म में लिखेंगे मिक्सड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे एटी फाइव और फोर्टी टू फोर्टी टू टू जितना होता है देखो फोर्टी टू टू एटी फोर तो क्या क्या नीचे एज इट इज रिमाइंडर ऊपर साइड वाला साइड में तो टू वन अपॉन फोर्टी टू ये हमारे आंसर आ जाएगा अब हम देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट तो थ्री टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर अपॉन सेवन। देखो फाइव ये वाला एज इट इज उतरेगा फाइव की मल्टीप्लाई थ्री से होगी तो फिफ्टीन और प्लस टू ऐड करेंगे तो सेवेंटीन सेवेंटीन फोरजा कितना हो गया सेवनटीन की मल्टीप्लाई अगर आप फोर से करोगे तो आएगा सिक्सटी एट और सेवन फाइव ज़ा होता है थर्टी फाइव फिर से क्योंकि ये इम फ्रैक्शन है तो हमें मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा थर्टी फाइव एज इट इज़ लिख दोगे रिमाइंडर जो आपका है थर्टी थ्री ये ऊपर आ जाएगा और साइड वाला वन साइड तो देखो सारे के सारे जो है ना बिल्कुल सेम तरीके से हो रहे हैं कुछ अलग इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं तो ये वाला हो गया अब नेक्स्ट देखते हैं टू थ्री अपॉन फाइव इंटू थ्री तो देखो फाइव अपॉन में एज इट इज़ फाइव टू जैट टेन प्लस थ्री थर्टीन थर्टीन इंटू थ्री थर्टीन थ्रीजा क्या होता है थर्टीन थ्रीजा तो हमारे पास होता है थर्टी नाइन और अपॉन में फाइव फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो इतने सारे क्यों सेम सेम लोग रिपीट करने के लिए देते हैं इस बार अब इन्होंने बुक चेंज करी थी तो कुछ तो चेंज करते बार 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 एक ही रेपिटेशन रेपटेशन बोर हो जाते हैं करते करते एक ही चीज़ अपॉन में फाइव ये ऊपर और ये साइड में सेवन फोर अपॉन फाइव आ जाएगा है ना मतलब जब बुक चेंज करी थी तो थोड़ा सा अपनी रेपिटेशन वाली आदत भी चेंज कर देते जो फालतू में रिपीट करते रहते हैं चलो भाई कोई बात नहीं नेक्स्ट देखते हैं थ्री फोर अपॉन सेवन इंटू थ्री अपॉन फाइव ये भी देख लेते हैं सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में फोर ऐड करोगे तो ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री अपॉन फाइव अब यहाँ देखो फाइव से कटेगा फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन अपॉन सेवन तो फिफ्टीन अपॉन सेवन सेवन टूजा फोरटीन सेवन नीचे एज इट इज ये जो नीचे रिमाइंडर है ये ऊपर आएगा और ये टू साइड में जाएगा तो टू वन अपॉन सेवन हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया कंप्लीट अब हम देखते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर हमें कहता है कि कौन सा वाला ग्रेटर है ये बता दो तो टू अपॉइंट सेवन बड़ा है या फिर थ्री अपॉइंट फोर सॉरी ये दोनों है ऑफ़ है ये ऑफ है ठीक है तो ऑफ़ का मतलब मंड है तो ये वाला बड़ा है कि ये वाला ये वाला बड़ा है कि ये वाला ये हमें करना है तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर मैं आपको नीचे उतारती हूँ पूरा और आप लोग भी नोट करते जाइए देखो अगर आपको बेस्ट लेना है ना इसमें से तो मेरे साथ साथ ना आप ना सॉल्व करते चला करिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और मेरे से थोड़ा सा पहले ही सॉल्व करने की कोशिश कर लिया करिए उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी चलो ये एट है कभी कन्फ्यूज़ हो जाओ एट लिख देती हूँ ऑफ का मतलब बच्चों मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो जो इससे पहले हम क्वेश्चन में कर रहे थे और भी साथ साथ लिख दो थ्री अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन एट ये वाला सॉल्व करते हैं पहले टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर वन थ्री ज़ा थ्री यानी कि थ्री अपॉन और सेवन की मल्टीप्लाई टू से करी तो क्या हो गया फोटीन तो थ्री अपॉन और लगा दो फिर से ये देखो फाइव से फाइव कट गया तो बच्चा थ्री अपॉन एट अब ऊपर देखो थ्री अपॉन फोर्टीन एक तरफ क्या है थ्री अपॉन फोर्टीन है।, है ना ये है थ्री अपॉन फोर्टीन और ये है थ्री अपॉन एट अब हम क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं कैसे ये जो थ्री अपॉन फोर्टीन है और थ्री अपॉन एट है इन दोनों का हम एल सी एम लेंगे तो एल सी एम ऑफ फ़ोर्टीन एंड एट ये लिया जाएगा तो एल जब हम निकालेंगे ना फोटीन और एट का तो हमारे पास आएगा टू सेवन ज़ा फोरटीन टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर फिर से टू टू वन ज़ा वन और सेवन वन ज़ा सेवन तो सेवन टू ज़ा फोरटीन फोरटीन टू जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट टू जा फिफ्टी सिक्स तो एल सी ऑफ 14 एंड एट इज़ फिफ्टी सिक्स ये आ गया अब क्योंकि दोनों का एलसीएम फिफ्टी सिक्स आया है तो हम लोग क्या करते हैं देखो नीचे हम फिफ्टी सिक्स लिख देंगे राइट right? अब ऊपर हम लोग कैसे करते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं देखो फोर्टीन की टेबल में फ़िफ्टी सिक्स कितने टाइम्स आता है तो देखो 14 फोटीन फोरजा 14 फोर्ज़ा 14 फिफ्टी सिक्स होता है यानी कि इस थ्री की जो मल्टीप्लाई है वो होगी फ़ोर से कॉमा लगा दो और इस वाले एट की टेबल में फिफ्टी सिक्स कितने टाइम्स आता है तो देखो एट की टेबल में जो फिफ्टी सिक्स आता है वो एट एट इज़ एट सेवन सा सेवन टाइम्स तो इस थ्री की मल्टीप्लाई होगी सेवन से ये आया हमारा फो, फोर फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व और ये आया सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन और फिफ़्टी सिक्स दोनों के नीचे अब हम लिख देंगे इसको ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी सिक्स और इसको लिख देंगे ट्वेंटी वन अपॉन फिफ्टी सिक्स अब नीचे क्योंकि दोनों का सेम हो चुका है तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा वाला बड़ा है तो ट्वेंटी वन अपॉन फिफ्टी सिक्स बड़ा है इसका मतलब थ्री अपॉन फोटीन जो है वो छोटा है थ्री अपॉइन एट से यानी कि थ्री अपॉइन एट बड़ा क्यों क्योंकि देखो इस तरफ हम लोगों ने पूरा थ्री अपॉइन एट ले करके चले थे तो इस तरफ वाला हमारा बड़ा साबित हुआ है तो ये हम लोगों को करने के लिए क्या लेना पड़ता है दोनों का एल्सीय लेना पड़ता है एल्सीयम लेते हैं तो काम हमारा बन जाता है फिर से देखते हैं क्या किया जो नीचे वाले थे ना ये दोनों को हमें सेम करना होता है सेम कर देते हैं तो ऊपर वाला पता लग जाता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ऊपर वाला सेम नहीं होता मतलब ऊपर वाला सेम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नीचे वाला सेम होना चाहिए तो हमें पता लग जाता है कि ऊपर वाला कौन सा छोटा है बड़ा है तो हम फोर्टीन और ट्वेंटी एट का एल लिया तो फिफ्टी सिक्स आया फिर पूरा एलसीएम का प्रोसेस चलाया जिस तरीके से एल लिया जाता है कि भाई नीचे वाला जो था थ्री इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि भाई फ़ोटीन की टेबल में फिफ्टी सिक्स कितने टाइम्स फ़ोर टाइम्स तो फोर से मल्टीप्लाई एट की टेबल में फिफ्टी सिक्स कितने टाइम्स सेवन टाइम्स तो सेवन से मल्टीप्लाई और इस तरह से थ्री अपॉन एट बड़ा निकला थ्री अपॉइंट फोर्टी और वैसे भी पता है एक बहुत ईजी तरीका बताऊँ जो इसमें हम लोग फॉलो कर सकते हैं ये थ्री अपॉइंट फोर्टीन है और ये थ्री अपॉइंट एट है क्योंकि ऊपर वाले दोनों के दोनों सेम है ना तो जो नीचे वाला छोटा होगा ना वही ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले सेम है तो जो नीचे वाला छोटा होगा वो बड़ा होगा बस सिंपल मगर ये वाला तरीका हम लोग को फॉलो नहीं करना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम में करके दिखाना है अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को बोला गया है आ, ये सेकेंड पार्ट जो है चलो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जल्दी जल्दी तो नहीं कर दिया अगर कर रहा है तो सॉरी आप रिपीट करके देख लो या फिर सेकेंड पार्ट में आराम आराम से समझाती हूँ वन बाई टू ऑफ सिक्सटी सेवन सॉरी सिक्स अपॉन सेवन और टू बाई थ्री ऑफ थ्री अपॉन सेवन सेम तरीके से सॉल्व करते हैं पहले इस वाले को सॉल्व कर देते हैं चलो फिर इस वाले को करेंगे ठीक है और लगा के वन अपॉन टू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन ठीक हो गया ये हो गया हमारे पास ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से तो सेवन टू ज फोर्टीन इसको कर लेते हैं टू अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन सेवन वैसे तो आप काट भी सकते हो काट देंगे ना तो ठीक हो जाएगा वैसे तो थ्री थ्री से कटा तो इधर बचा टू अपॉइंट सेवन टू थ्री जा सिक्स और टू सेवन ज़ा फोटीन ये तो बहुत ही ईजी हो गया थ्री अपॉइ सेवन और टू अपॉइट सेवन तो भाई देखो सेवन सेवन सेम ही है हमें सेम करना ही नहीं पड़ा तो इधर वाला जो था ये बड़ा था तो ये वाला जो ये वाला था ना ये वाला बड़ा तो थ्री अपॉन सेवन इज़ ग्रेटर देन टू अपॉन सेवन ये तो क्लियरली कंपैरिजन करके हमें पता लग गया तो ये हम लोगों ने दो क्वेश्चंस देखे थर्ड एंड फोर्थ थर्ड और फोर्थ हम लोगों ने देख लिया है अब आगे के जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फाइव सिक्स सेवन एट सारे के सारे कवर कर लेंगे तो ये आप लोगों को पी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन करिए आपके लिए बेनिफिशियल साबित ज़रूर होने वाला है वो थैंक यू हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर टू फ्रैक्शन इन डेसिमल की एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का हम लोग अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इससे पहले के हम सारे कवर कर चुके हैं क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो ये तीनों के तीनों ना ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो साइली प्लांट्स फॉर सेप्लिंग देखो जो सेप्लिंग होता है ना सेप्लिंग का मतलब होता है पौधा तो साइली चार पौधे लगा रही है अपने गार्डन में एक रो में एक रो में जो है इसका मतलब होता है कि ये जो साइली है ना ये एक लाइन में एक लाइन है ठीक है इसके गार्डन में इस तरीके से एक सीधाई पर इसने चार जो है वो पौधे लगाए हैं ठीक है ये चार इसने पौधे ऐसे करके आप मैं बना देती हूँ चार पौधे इसने लगाए हैं अब हर पौधे के बीच का जो डिस्टेंस है तो, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू अडजसेंट सेपलिंग अडजसेंट सेप्लिंग का मतलब होता है अगल बगल तो अगल बगल वाली जो सेप्लिंग हैं, उनके जो बीच का डिस्टेंस है ना वो है थ्री अपॉन फोर मतलब हर पौधे के बीच का डिस्टेंस आपस में थ्री अपॉन फोर है यानी कि एक पौधा दूसरे से कितना दूरी पर है थ्री अपॉन फोर मीटर की दूरी पर है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सेप्लिंग यानी कि पहला और आखिरी ये दोनों जो सेप्लिंग्स हैं ना पहली वाली और आखिरी वाली इनके बीच में कितनी दूरी है ये आपको बताना है तो भाई बहुत ही आसान हो जाएगा या तो आप थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर इनको आप तीनों को ऐड कर लो सिंपल क्यों यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर से इधर कितना डिस्टेंस है ये प्लस ये प्लस ये तो सिंपल सा हो जाएगा तो चलो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे नंबर ऑफ सेपलिंग आप लिखेंगे नंबर ऑफ सेप्लिंग सेप्लिंग का मतलब होता है पौधे तो पौधे कितने हैं चार डिस्टेंस जो है बिटवीन टू सेपलिंग दो सेपलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है वो है थ्री अपॉन फोर मीटर ठीक है अब हमें बताना है क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस को मैंने डिस लिखा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग तो पहली और जो आखिरी सेप्लिंग है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर यानि कि फोर 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 नीचे वाला तो कॉमन एक ही लिख लेंगे थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री यानी कि नाइन तो नाइन अपॉन फोर मीटर का डिस्टेंस है पहली और आखिरी वाली सेपलिंग में ठीक हो गया तो हमारा हो गया यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो नाइन अपॉइंट फोर को आप और करेंगे तो सॉल्व फोर टू एट आपका आएगा टू वन अपॉन फोर मीटर ये डिस्टेंस है आपका इस वाली और इस वाली पहली और आखिरी वाली सेप्लिंग के बीच में इनको थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर इनको आपको क्या करना है तीन बार ऐड कर देना है बस अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बोला गया है कि लिपिका रीड्स अ बुक फॉर वन थ्री बाय फोर आर एवरी डे मतलब हर दिन लिपिका वन थ्री बाय फोर घंटे पढ़ती है एक किताब को शी रीड्स द एंटायर बुक इन सिक्स डेज वो पूरी की पूरी किताब पढ़ लेती है छः दिनों में हाउ मैनी आर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक तो टोटल घंटे वो कितना पढ़ी है इन छह दिनों में एक दिन में वो वन थ्री बाय फोर पढ़ती है तो छह दिनों में उसने कितने घंटे की पढ़ाई कर ली होगी ये आप लोगों को बताना है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप ऐसे करके लिखेंगे इन वन डे लिपिका को कितने की जरूरत होती है इन वन डे लिपिका रीड्स वन थ्री अपॉन फोर आर्स इतने आर्स एक दिन में बढ़ती है इन सिक्स डेज लिपिका ने कितने घंटे पढ़ लिया होगा वन थ्री अपॉन फोर इन टू सिक्स आर्स इतना पढ़ लिया होगा उसने तो अब इसको सॉल्व करते हैं फोर एज इट इज़ वन फोर ज फोर प्लस थ्री यानी कि सेवन अपॉन फोर टू सिक्स आर्स उसने छः दिन में पढ़ लिया होगा तो टू काट देंगे टू टू तो जॉ फोर टू थ्री झा सिक्स और सेवन थ्री ज्वेंटी वन अपॉन टू मैंने सिर्फ सॉल्व किया है बच्चों ठीक है काट दिया क्योंकि फोर और सिक्स आपस में कट जाते हैं तो ट्वेंटी वन अपॉन टू इसको हम लोग फर्दर जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो टू टेन जा ट्वेंटी नीचे बचा वन तो टू नीचे वाला एज़ इट इज ये जो वन है ये ऊपर जाएगा और ये जो टेन है ये साइड में आ जाएगा तो टेन वन बाई टू आर्स यानी कि छः दिन उसने साढ़े दस घंटे लगाए टेन एंड हाफ़ आर्स साढ़े दस घंटे इसने बच्ची ने लिपिका ने लगाए और इसने पूरी किताब पढ़ ली साढ़े दस घंटों में बस यही था कि भाई एक दिन में वो इतने घंटे पढ़ती है तो छः दिन में उसने कितने घंटे की पढ़ाई कर ली साढ़े दस घंटे की पढ़ाई करके उसने अपनी बुक को कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं अ कार रन्स सिक्सटीन किलोमीटर यूजिंग वन लीटर ऑफ पेट्रोल कार जो है वो सोलह किलोमीटर चल गई एक लीटर पेट्रोल से मतलब एक लीटर पेट्रोल में कार सिक्सटीन किलोमीटर चल गई हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग इतना लीटर ऑफ पेट्रोल तो चलो निकाल लेते हैं क्वेश्चन सेवन में हम लोगों को बोला है कि ऐसे करके लिखो इन वन लीटर पेट्रोल कार कवर्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सिक्सटीन किलोमीटर यानी कि सिक्सटीन किलोमीटर कार ने कवर कर लिए एक लीटर पेट्रोल में तो इन टू थ्री बाय लीटर पेट्रोल कार विल कवर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सिंपल सा टू थ्री बाय फोर की मल्टीप्लाई आप कर दोगे सिक्सटीन से बस ये ही करना है सिंपल तो इसको करेंगे फोर एज इट इज फोर की मल्टीप्लाई टू से एट और प्लस थ्री यानी कि 11 इंटू सिक्सटीन तो अलेवन अपॉन 4 फोर इंटू सिक्सटीन तो फोर क्योंकि नीचे है सिक्सटीन ऊपर है तो फोर सिक्सटीन को काट देगा फोर फोर जा सिक्सटीन यानी कि फोर्टी फोर किलोमीटर तो कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी टू थ्री अपॉन ऑन फोर पेट्रोल में टू थ्री बाय पेट्रोल में कार कवर कर लेगी फोर्टी फोर किलोमीटर तो फोर्टी फोर किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिकली आपको अगर मैं इजी वे बताऊँ तो जो भी दो नंबर गिवन है ना आप लोगों ने उनको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है इसकी कर देनी है इससे बस यहाँ ध्यान रखना है कि चार सेप्लिंग है मगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है चार सेप्लिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है वन टू थ्री तीन बार थ्री बाय फोर को प्लस कर देना है ये तीनों हो गए अब हम क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हमें बोला है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट टू बाई थ्री इन डब्बा इज इक्व टू टेन अपॉन थर्टी तो चलो मैं आपको कैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व इसको करना है हम जो डब्बा है ना इसको मान लेंगे एक्स समझ में आया चलो जो खाली बॉक्स है ना आप अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं कि भाई टू बाई थ्री इंटू बॉक्स इज इक्वल्स टू टेन अपॉन थर्टी तो बॉक्स को आप x मान लो तो टू अपॉन थ्री इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टेन अपॉन थर्टी अपना जो मैं आपको समझा रही हूँ वो ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आपका वो आएगा ना लीनियर इक्वेशंस आएंगी इन वन वेरिएबल तो उसमें भी आप लोगों ने ये करा था चैप्टर वन ना आपका हम कि जब x होता है x की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको हम अकेला छोड़ते हैं तो x के जो डिवाइड में होता है वो तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके मल्टीप्लाई में हो चला जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड में जाता है तो टेन अपॉन थर्टी क्योंकि थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके सॉरी एक्स और थ्री ये डिवाइड में है तो थ्री मल्टीप्लाई में चला जाएगा और टू क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवाइड में चला जाएगा आप कहीं कि मैंने तो मल्टीप्लाई लगा दिया मगर ये नीचे गया है नीचे तो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में आएगा आ रहा है ना समझ में दोबारा से करके बताती हूं देखो जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर है वो नीचे तो थ्री टेनजा थर्टी टेन से टेन कटा और एक्स क्या बचा एक्स बचा वन अपॉइंट टू तो यानी कि जो बॉक्स है बॉक्स में क्या आएगा बॉक्स में आएगा वन अपॉइंट टू तो ये जो बॉक्स था जिसकी जगह एक्स लिखा था इसकी जगह वन अपॉइंट टू आपका आ जाएगा अब बी पार्ट देख लेते हैं मतलब इसका ही जो दूसरा पार्ट है सेकेंड फॉर्म इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इज द नंबर ऑपटेड इन अ डैश इज तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑप्टेंड जो कि आपका वन अपॉइंट टू आया है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है <laughs> मैंने आपको पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिया है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म वन अपॉइंट टू ही बन करके आ रही है तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या बन के आ रही है वन अपॉइंट टू और इसको अगर मैं काटती नहीं तो क्या आता अब इसको और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं तो टू अपॉइंट थ्री इंटू टेन अपॉइन्ट थर्टी तो आपको ऐसा क्या करना है इन दोनों को इक्वल बनाना है तो टू की मल्टीप्लाई फाइव से करोगे टेन की मल्टीप्लाई थ्री से करोगे तो थर्टी बन जाएगा तो एक्स की जगह आप फाइव अपॉइंट टेन भी लिख सकते हो इसको सिंपल करोगे तो ये वन अपॉइंट टू आ जाएगा ठीक है चलो अब बी पार्ट इसका तो हो गया अब ये देखो नेक्स्ट थ्री अपॉइंट फाइव इन बॉक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर अपॉन सेवेंटी फाइव तो हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है तो अब इस बार मैं ना एक्स नहीं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ सॉल्व करने का हमें क्या करना है देखो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा कि थ्री अपॉन फाइव की मल्टीप्लाई हम करके ये ले आएंगे तो देखो थ्री की टेबल में ट्वेंटी फोर कब आता है एट टाइम्स आता है तो थ्री एट जो ट्वेंटी फोर बन जाएगा फ़ाइव की टेबल में सेवेंटी फ़ाइव कितनी बार में आता है तो फ़ाइव की टेबल में अगर आप सेवेंटी फ़ाइव तक जाएंगे तो आपको फिफ्टीन टाइम्स करना पड़ेगा तो फ़ाइव की मल्टीप्लाई अगर हम फिफ्टीन से करेंगे ना तो ही सेवेंटी फ़ाइव बनेगा तो ये जो डब्बा था इसमें क्या आया इस डब्बे में आया एट अपॉन फिफ्टीन तो ऐट अपॉन फिफ्टीन इस डब्बे में आ गया इसका सेकेंड पार्ट है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी तो एट अपॉन्ट फिफ्टीन फाइव फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं होगा तो जो बी पार्ट है बी का सेकेंड पार्ट भी का आंसर भी एट अपॉन फिफ्टीन ही रहेगा क्योंकि आगे नहीं कटेगा अब देखो एट अपॉन्ट फिफ्टीन मैंने ऐसे निकाला अब आप एक्स की वैल्यू रखो एक्स रख दो यहाँ पे और सॉल्व करो एक्स रख दिया अब एक्स को अकेला छोड़ो फाइव ऊपर जाएगा क्योंकि फ़ाइव नीचे था इधर और थ्री ऊपर था तो थ्री इधर नीचे जाएगा थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर और फाइव वन ज़ा फाइव और फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन तो एक्स क्या आया एक्स आया एट अपॉन फिफ्टीन ठीक है दोनों तरीके से कर सकती हूँ तो ये हो गई हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ मैथ्स चैप्टर टू एक्साइज टू पॉइंट फोर का हम लोग क्वेश्चन वन देखने वाले हैं इससे पहले हम लोग फ्रैक्शंस पार्ट वाला देख रहे थे अब हम आ रहे हैं इसके डेसिमल पार्ट पर तो देखो जो डेसिमल वाला है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं टू ज़ीरो पॉइंट टू की मल्टीप्लाई आप लोगों को सिक्स से करनी है तो यानी कि हमें ये सीखना है कि, कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल्स लगाएँ तो हमें क्या सीखना है हमें सीखना है डेसिमल लगाना तो भाई डेसिमल लगाना सीखना है तो सीख लेते हैं चलिए हाँ तो क्या करना होता है आपको सिंपल मल्टीप्लाई ही करनी होती है तो क्वेश्चन नंबर वन जो है मेरा मैं उसमें आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना होता है हमें बेसिक मल्टीप्लाई करनी होती है और मल्टीप्लाई के बाद हम लोगों को जो है डेसिमल को लगा देना होता है तो देखो 0.2 की मल्टीप्लाई आप सिक्स से करेंगे तो आप भूल जाओ यहाँ पे कुछ ज़ीरो है कुछ पॉइंट है भूल जाओ आप देखो कि नंबर क्या है नंबर है टू और नंबर है सिक्स टू की मल्टीप्लाई आपने करी सिक्स से तो क्या आया ट्वेल्व तो मैं तो क्या करूँगी मैं सिंपली ट्वेल्व लिख दूँगी ठीक है लिख दिया अब आप क्या करोगे ट्वेल्व लिख दिया ना आपने तो जब आपने ट्वेल्व लिख दिया है तो इसके बाद आप लोगों को पॉइंट देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद है एक नंबर वन एक नंबर है पॉइंट के बाद तो आप लोगों को क्या करना होगा आपको जो आपका आंसर आया है ना मल्टीप्लाई करने के बाद उसके राइट right की तरफ आएंगे आप लोग ऐसे करके और आप क्योंकि पॉइंट एक के पॉइंट के बाद एक नंबर था तो आप एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे आई बात समझ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जान पड़ रही है बात हमें ऐसा लग रहा है कि ज़ीरो पॉइंट टू की मल्टीप्लाई आप सिक्स से करोगे तो आप पॉइंट वेंट भूल जाओ आप टू की मल्टीप्लाई सिक्स से करो तो आएगा ट्वेल्व ट्वेल्व लिख दो और पॉइंट था ना पॉइंट के बाद एक ही नंबर था बस तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया है ना तो आप पीछे से आओगे यानी कि अपने राइट हैंड साइड से आगे की तरफ बढ़ोगे और एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दोगे अभी आगे हम और क्वेश्चंस करते हैं आपको समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखो नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है एट इंटू फोर पॉइंट सिक्स ये तो फर्स्ट पार्ट था एट इंटू फोर पॉइंट सिक्स आप पॉइंट वॉइंट भूल जाओ आप सोचो कि आपको फोर्टी सिक्स की मल्टीप्लाई एट से करनी है सिक्स एट जा फोर्टी एट एट फोर जा थर्टी टू थर्टी टू और फोर थर्टी एट तो आपका क्या आया आपका आया थ्री एट्टी एट अब आप देखो पॉइंट जो है पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो इसमें आप लोग यहाँ पीछे से चलोगे और एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दोगे मतलब जो क्वेश्चन में जैसे एक पॉइंट होता है ना पॉइंट के बाद एक ही नंबर आ रहा होता है ना तो आपको बिल्कुल यही करना होता है कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर आना चाहिए बस चलो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है टू पॉइंट सेवन वन फाइव अब देखो पॉइंट के बाद दो नंबर है ना तो आंसर में भी पॉइंट के बाद दो नंबर ही आने चाहिए यह हमारी सीख होती है टू पॉइंट सेवन वन फाइव तो आप क्या करेंगे टू सेवेंटी वन की मल्टीप्लाई फाइव से कर दो वन फाइव जावन फाइव जा थर्टी फाइव फाइव टू जा, 35. जा 10. और 10 प्लस 3, थर्टीन तो आपका क्या गया? आपका आ गया आपका आंसर आ गया वन थ्री थ्री फाइव पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं दो नंबर हैं ना तो आप दो नंबर के आगे पॉइंट लगा दोगे पॉइंट फिर आप पीछे से लगाते हो यहाँ से चलेंगे तो कितने नंबर पॉइंट के बाद दो नंबर तो पॉइंट के बाद दो नंबर ही आने चाहिए पॉइंट के बाद इधर भी दो नंबर थे और पॉइंट के बाद इधर भी दो ही नंबर आने चाहिए तो हम क्या करेंगे जो भी हमारा आंसर आता है ना उसको हम लोग पीछे से चलते हैं पॉइंट इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद दो नंबर है तो पीछे से एक दो और लगा दिया पॉइंट इस तरीके से हमारा पॉइंट का सिलसिला चलता है अब फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट जो है होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ट्वेंटी पॉइंट वन इंटू फोर तो पॉइंट भूल जाओ टू जीरो वन इंटू फोर फोर वन जा फोर फोर जीरो जीरो फोर टू जा एट क्या आया एट जीरो फोर पॉइंट के बाद एक नंबर तो पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया सिंपल फोर्थ पार्ट हो गया फिफ्थ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंटू सेवन जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव की मल्टीप्लाई सेवन से करो चलो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो थ्री जीरो जा जीरो और कैरी थ्री तो थ्री फिर से आप पॉइंट लगा दो सेवन ज़ीरो ज़ीरो ऐसे भी कर सकते हो तो क्या हो गया जीरो पॉइंट थ्री फाइव जहाँ पॉइंट था वहीं के वहीं पॉइंट लगा दिया तो सिंपल सा पॉइंट के बाद दो नंबर आ रहे थे ना, तो पॉइंट के बाद दो ही नंबर आएंगे बस फिफ्थ पार्ट हो गया अपना सिक्स्थ देख लेते हैं वन वन पॉइंट ज़ीरो टू सीटियाँ लग रही हैं इन टू फोर तो देखो टू वन वन ज़ीरो टू फोर मल्टीप्लाई कर दो फोर टू ज़ा एट फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो फोर वन ज़ा फोर फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट पॉइंट के बाद कितने नंबर दो तो यहाँ पर दो नंबर के आगे पॉइंट तो यहाँ पर भी दो नंबर के आगे पॉइंट या फिर आप देखो ना यहाँ पर पॉइंट था तो कितने तब एक दो तो यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक दो के आगे पॉइंट लगा दोगे सेवेंथ लास्ट पार्ट टू इंटू ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स तो ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स की मल्टीप्लाई कर दो टू से टू सिक्स जा ट्वेल्व एट टू जा सिक्सटीन सेवेंटीन पॉइंट एज इट इज़ उतार दो और यहाँ पे वन तो वन पॉइंट सेवन टू ये हमारे पास आंसर आ गया होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो दो नंबर के आगे मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर वन थैंक यू हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ मैथ्स चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.4 का हम इसमें क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री देखने वाले हैं इससे पहले हम क्वेश्चन वन पूरा कवर कर चुके हैं और सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को लगाते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर टू हमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ फाइव सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ थ्री सेंटीमीटर तो लेंथ क्या है लेंथ हमें बताई गई है कि 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई ब्रेथ हमें बताई गई है कि थ्री सेंटीमीटर है तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो देखो जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इन ब्रेथ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो लेंथ हम लोगों को सिंपली बताई गई है क्या लेंथ हम लोगों को बोला गया है कि है देखो एक सेकेंड लेंथ uh, है हमारे पास 5.7 और ब्रेथ है थ्री तो लेंथ इज इक्वल्स टू 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी बताई गई है ब्रेथ इज़ इक्वल्स टू थ्री सेंटीमीटर तो एरिया निकालने के लिए हमें एल इन टू बी करना पड़ेगा तो लेंथ 5.7 और ब्रेथ थ्री फाइव पॉइंट सेवन की मल्टीप्लाई आप थ्री से करो थ्री सेवनज़ा ट्वेंटी वन नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी होती है जैसी हम करते हैं और थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन पॉइंट के बाद एक नंबर है ना तो आंसर में एक पीछे से एक नंबर पीछे से हम आप एक नंबर के बाद वन के आगे पॉइंट लगा देंगे तो सेवनटीन पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में आती है यूनिट तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो पॉइंट के बाद एक नंबर था ना तो आंसर में राइट right साइड से नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा तो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर पॉइंट के बाद भी एक ही नंबर बचता है फिर अब क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो थोड़ा सा बड़ा है तो करते हैं कई सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट है 1.3 की मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो कैसे करोगे देखो 1.3 है आप क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं और नीचे 10 बढ़ा देते हैं कैसे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना पॉइंट के बाद कितना है एक नंबर है जो कि थ्री है तो आप पॉइंट हटाएंगे और नीचे टेन बढ़ा देंगे पॉइंट के बाद जितने नंबर बढ़े होंगे ना उतने ही नीचे ज़ीरो बढ़ेंगे डिनोमिनेटर में तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो इसलिए नीचे एक ही जीरो लगा टेन से टेन कट जाएगा आंसर आ जाएगा थर्टीन कैसे क्योंकि पॉइंट तो हटा ही दिया मैंने पॉइंट हटा करके मैंने नीचे जीरो बढ़ा दिया थर्टी सिक्स पॉइंट एट मल्टीप्लाइड टेन फिर से देखो थर्टी सिक्स पॉइंट एट पॉइंट हटाऊंगी पॉइंट के आगे एक ही नंबर है तो नीचे एक ही ज़ीरो बढ़ेगा इनटू टेन टेन से टेन कटा आंसर आ गया थ्री सिक्स एट क्योंकि पॉइंट मैं हटा चुकी हूँ टेन से मल्टीप्लाई हो गया था और नीचे टेन से डिवाइड हो गया था तो टेन से टेन कट गया थर्ड पार्ट है वन फाइव थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन फिर से वही पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो पॉइंट हटाओ नीचे ज़ीरो बढ़ाओ इंटू टेन टेन से टेन कटा तो आंसर क्या आया वन फाइव थ्री सेवन सिंपल फिफ्थ पार्ट सॉरी फोर्थ पार्ट एट पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन अब देखो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो हम क्या करेंगे वन सिक्स एट पॉइंट जीरो सेवन अपॉन पॉइंट हटाएंगे और क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो नीचे दो ज़ीरो पड़ेंगे और मल्टीप्लाई में टेन एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर हमारे पास आएगा वन सिक्स एट ज़ीरो सेवन का टेन अब अपॉन में टेन नहीं लगाते हैं हम हम क्या करेंगे ये नीचे से टेन हटाने के लिए क्योंकि एक ज़ीरो था इसलिए हम एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ गया हमारा वन सिक्स एट जीरो पॉइंट सेवन ऐसे लगाते हैं पॉइंट और ऐसे ही पॉइंट हटा देते हैं फिफ्थ पार्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट लगाते आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना मैथ्स तो प्रैक्टिस की होती है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आता जाएगा अब देखो एक पॉइंट है पॉइंट है पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो आप नीचे एक ही ज़ीरो बढ़ा सकते हो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा तो ये थ्री वन वन पॉइंट तो हट चुका है नीचे टेन लगाने की वजह से इन टू में टेन तो ये क्या हो गया थ्री वन वन और ज़ीरो तो थ्री डबल वन ज़ीरो आपका आंसर आ गया सिक्स पार्ट वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन इंटू हंड्रेड तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ज़ीरो बढ़ जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो कट जाएगा तो वन फिफ्टी सिक्स वन क्योंकि पॉइंट हट गया था नीचे ज़ीरो बढ़ाने की वजह से तो बिना पॉइंट का ये हो गया अब वन फाइव सिक्स वन और ज़ीरो क्या कर रहे हैं हम हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं और नीचे ज़ीरो बढ़ा रहे हैं फिर साइड में जो हंड्रेड वग़ैरह जो भी नंबर है उससे हम ज़ीरो से ज़ीरो काट दे रहे हैं फिर बाकी जो भी बचा हुआ है मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं सेवन थ्री पॉइंट सिक्स टू इंटू हंड्रेड फिर से देखो वही करेंगे पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के आगे दो नंबर थे तो नीचे दो ज़ीरो बढ़ जाएंगे अब हंड्रेड से हंड्रेड पूरा कट गया तो ये क्या बचा थ्री सिक्सटी टू क्योंकि पॉइंट तो हम पहले ही हटा चुके हैं ठीक है चलो फोर थ्री पॉइंट जीरो सेवन इंटू हंड्रेड वाला एट्थ पार्ट था पॉइंट हटाएंगे तो दो नंबर थे आगे तो दो जीरो बढ़ जाएगा हंड्रेड से हंड्रेड कटा फोर थ्री ज़ीरो सेवन मैंने बीच में कोई छोड़ दिया है क्या क्वेश्चन हाँ या फिर मैंने नंबरिंग गलत डाल दी है फ़ोर के बाद फ़ाइव फाइव के बाद सिक्स फिर उसके बाद अच्छा सेवन ठीक है नाइन अब हम टेंथ देख लेते हैं पॉइंट हटाएंगे ज़ीरो बढ़ा देंगे टेन से टेन कट जाएगा और आंसर फाइव ठीक है नेक्स्ट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट इंटू टेन ये ना नंबरिंग हाँ गलत हो गई है नंबरिंग एक सेकेंड ना ये वाला सेवेंथ था ये एट ये वाला टेन आ जाएगा चलो अब क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे दो जीरो बढ़ा दोगे एक ज़ीरो से एक जीरो कटा ये बचा एट अपॉइंट टेन तो एक जीरो है तो नंबर के आगे एक ज़ीरो बन जाएगा तो ज़ीरो पॉइंट एट नेक्स्ट पार्ट है आपका ज़ीरो पॉइंट नाइन इंटू हंड्रेड पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा तो ये आ गया आपका नाइन की मल्टीप्लाई टेन से नाइन्टी नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री इंटू वन थाउजेंड तो पॉइंट हटाओगे नीचे दो जीरो बढ़ा दोगे दो जीरो से दो जीरो कटेगा तो थ्री इन टेन यानी कि थर्टी तो ये हो गए हमारे सारे सॉल्यूशंस थैंक यू हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अबी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन मैथ्स का चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन फाइव हम इसमें देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री किलोमीटर इन वन लीटर ऑफ पेट्रोल तो भाई डिस्टेंस कवर्ड इन लीटर ऑफ़ पेट्रोल एक लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री डिस्टेंस कवर्ड इन लीटर इज इक्वल्स टू कितना है किलोमीटर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन टेन लीटर ऑफ पेट्रोल तो एक लीटर में तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड इन आप लिख लेंगे टेन लीटर टेन लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई एक में इतना कर रहा है तो टेन में कितना करेगा सिंपली आपको क्या करना होगा टेन से मल्टीप्लाई कर देनी होगी ठीक है सिंपल चलो अब सॉल्व कर लेते हैं टेन से मल्टीप्लाई करके फाइव फाइव पॉइंट थ्री इन टू टेन अब आपको क्या करना होगा पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट हटाओ और नीचे ज़ीरो बढ़ा दो फिर टेन से टेन कट जाएगा तो एक लीटर में वो फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री किलोमीटर कवर कर रहा था तो टेन लीटर में वो फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री किलोमीटर्स कवर कर लेगा तो इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा टेन लीटर पेट्रोल में ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर बस इसकी मल्टीप्लाई करनी थी टेन लीटर से सिंपल क्वेश्चन नंबर फाइव में फिर से वही हमें मल्टीप्लाई ही करनी है सारे के सारे तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूरे दस पार्ट हैं तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें बोला गया है टू पॉइंट फाइव की मल्टीप्लाई आपको करनी है ज़ीरो पॉइंट थ्री से तो आप लोग क्या करेंगे देखो साइड में टू पॉइंट फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट थ्री नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही करना है थ्री की मल्टीप्लाई फाइव से तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन या फिर थ्री फाइव जा फिफ्टीन कैरी वन थ्री टू जा 6, और प्लस वन सेवन फिर क्रॉस लगाओ जीरो की मल्टीप्लाई फाइव से जीरो जीरो की मल्टीप्लाई टू से जीरो तो आपका क्या आया नीचे ये आ गया अब एक चीज़ आपको जो समझनी है वो ये है कि पॉइंट के बाद एक नंबर पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए तो पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए यानी कि पीछे से स्टार्ट करेंगे और दो नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है सेकंड पार्ट देखते हैं जीरो पॉइंट वन इंटू फिफ्टी वन पॉइंट सेवन तो इसको कैसे करेंगे देखो आप ना ये एक तरीका था जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया आप सेकेंड पार्ट में मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ आप भूल जाओ कि कोई पॉइंट है आप भूल जाओ ये नंबर बिना पॉइंट्स के लिखो ठीक है अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे वन की मल्टीप्लाई 517 से करोगे तो क्या बनेगा 517 ही तो बन जाएगा ना 517 बनेगा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई हुई है एक पॉइंट भूल जाओ सारे अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि पॉइंट के बाद दो नंबर आने हैं तो आप पीछे से स्टार्ट करोगे और दो नंबर के आगे पॉइंट लगा दोगे यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी दो नंबर बन रहे हैं तो 5.17 आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट देखते हैं जीरो नहीं थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा वन पॉइंट थ्री इंटू थ्री पॉइंट वन फिर से वही करो कि पॉइंट भूल जाओ थर्टीन की मल्टीप्लाई थर्टी वन से कर दो वन थ्री ज़ा थ्री वन वन ज़ा वन थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री वन ज़ा थ्री है ना? थ्री जा थ्री तो क्या आया फोर ज़ीरो थ्री आ गया ना तो आपका जो फोर जीरो थ्री आया है उसको लिख दो पॉइंट के बाद एक नंबर पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि पॉइंट के बाद टोटल दो नंबर है तो दो नंबर के आगे पॉइंट मतलब वही होना चाहिए कि पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए तो पीछे से दो नंबर के आगे पॉइंट लगा दोगे फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट है, है आ, हमारा अच्छा ये हमारा फोर्थ पार्ट ही मैंने कर दिया है पहले एक सेकेंड बेटा ये वाला ना बच्चा मैंने फोर्थ पार्ट सॉल्व कर दिया है पहले ये वाला अपना फोर्थ है ठीक है तो मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ फोर्थ पहले कर दिया तो थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है जीरो पॉइंट टू इंटू थ्री वन सिक्स पॉइंट एट फाइव फिर से पॉइंट भूल जाओ सारे तो थ्री वन सिक्स एट और इसकी मल्टीप्लाई टू से करो क्योंकि देखो जीरो पॉइंट टू पॉइंट हटाओ के तो क्या जीरो कुछ नहीं होता टू एट जा सिक्सटीन टू सिक्स जा ट्वेल्व और थर्टीन टू वन जा टू थ्री और थ्री टू जा सिक्स तो क्या आया सिक्स थ्री थ्री सिक्स है ना ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा सिक्स थ्री थ्री सिक्स तो पॉइंट के बाद एक नंबर है पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से दो नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट के बाद दो नंबर बचेंगे बस यही चीज़ हम लोगों को सॉल्व करनी है तो थर्ड पार्ट देख लिया फोर्थ पार्ट हमने पहले ही कर दिया था अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में हम लोगों को बोला गया है जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो फिर से पॉइंट भूल जाओ तो फाइव फाइव बचता है तो फाइव फाइव जहाँ ट्वेंटी फाइव अब पॉइंट्स गिनने पड़ेंगे मगर आपको कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है पॉइंट के बाद एक नंबर और पॉइंट के बाद दो नंबर यानी कि टोटल तीन तो एक दो और जब ऐसा होता है तो एक और जीरो लगाना पड़ता है और फिर उसके आगे पॉइंट लगता है आया समझ एमएजी वाला कॉन्सेप्ट इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है कि देखो नंबर तो दो थे फाइव फाइव तो फाइव की फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइव फाइव जस्ट ट्वेंटी फाइव आ गया अब पॉइंट के बाद एक नंबर और पॉइंट के बाद दो नंबर ये आ गए राइट अब टोटल तीन तीन नंबर के आगे पॉइंट लगाना है तीन नंबर तो है ही नहीं तो हम उसके दो नंबर जो होंगे हमारे ठीक है उसके आगे लगा देंगे जीरो और फिर राइट right की तरफ को इन तीन नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे आए बात समझ तो इस तरीके से ही होता है नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट में हमें बोला गया है अलेवन पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव तो चलो आगे देखते हैं तो फिर से पॉइंट भूल जाएंगे तो वन वन टू की मल्टीप्लाई आप फिफ्टीन से करोगे फाइव टू या टेन फाइव वन जो फाइव सिक्स फाइव वन ज़ा फाइव वन टू ज टू वन वन जन वन वन जा वन वन सिक्स एट ज़ीरो वन सिक्स एट ज़ीरो तो एक दो तीन यानी कि तीन नंबर के आगे लगाना है तो वन टू थ्री तीन नंबर के आगे पॉइंट आप लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स एट जीरो आगे देखते हैं सेवेंथ वन पॉइंट जीरो सेवन इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू तो वन जीरो सेवन और टू क्योंकि देखो ना इस टू के आगे जीरो है जब भी आगे ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती बट अगर जीरो बीच में आ जाएगा तो उसकी तो वैल्यू फिर हमें लेनी पड़ती है तो वन ज़ीरो सेवन की मल्टीप्लाई आप टू से करोगे तो टू सेवन ज़ा फोरटीन और टू वन जो टू तो आपका क्या आया आपका आया टू वन फोर टू वन फोर आपका आ गया तो आप देखो कितने नंबरों के पॉइंट के बाद दो नंबर पॉइंट के बाद दो नंबर तो यानी कि आपको चार नंबर्स के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा बट इसमें तो तीन ही नंबर हैं तो इन तीन के आगे आप जीरो लगाओगे और उस जीरो के आगे आप पॉइंट लगा दोगे और फिर पॉइंट के आगे मैंने जीरो क्यों लगाया क्योंकि वो खाली अकेला पॉइंट अच्छा नहीं लगता है उसके आगे ऐसे ही जीरो लगा देते हैं नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा तो हमारा सेवन्थ वाले का आंसर आ गया है यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो टू वन फोर अब एर्थ देखते हैं एर्थ देखो 10, एट्थ वाला क्या है देखो यहाँ पर टेन पॉइंट जीरो फाइव इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव ठीक है अब देखो पॉइंट हटा के सबके मल्टीप्लाई करो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो देखो इसकी करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई फ़ाइव फाइव फाइव 25, ट्वेंटी फाइव फ़ाइव ज़ीरो ज़ीरो फाइव वन वन फिर तो ज़ीरो या ज़ीरो की मल्टीप्लाई सबसे करोगे तो ज़ीरो ही आना है फिर वन फाइव ज़ा फाइव वन जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ये मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है जल्दी से और मल्टीप्लाई आपको खुद से करनी है देखो सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास आया वन ज़ीरो फ़ाइव फाइव टू फाइव है ना तो यहां पे लिख दोगे वन जीरो फाइव फाइव टू फाइव अब पॉइंट के बाद दो नंबर थे पॉइंट के बाद दो नंबर थे यानी कि चार नंबर के आगे पॉइंट होना चाहिए तो वन टू थ्री फोर यानी कि पॉइंट यहां पर हमारा आ जाएगा ठीक है देख लो अच्छे से अब नाइन्थ पार्ट देख लेते हैं वन जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन इंटू जीरो पॉइंट ज़ीरो वन ये तो देखो जीरो पॉइंट ज़ीरो वन है तो सिंपल सिर्फ यही रह जाएगा वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होगी ना पॉइंट के बाद ज़ीरो वन है तो वन के आगे ज़ीरो है दो तो सिर्फ ये वन ही हो जाएगा अब पॉइंट के बाद दो नंबर पॉइंट के बाद दो नंबर तो वन टू थ्री फोर यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा वन पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो वन देखो ये आपको होपफुली समझ में आया होगा बच्चों मैंने क्यों इससे क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये क्या नंबर है जीरो पॉइंट जीरो वन मैं इसको अगर हटा दूँ है ना क्योंकि ज़ीरो जीरो है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो सिर्फ वन से ही मल्टीप्लाई होगी इस नंबर की क्योंकि ज़ीरो जब किसी नंबर के आगे होता है तो वैल्यू नहीं होती बट अगर बीच में होता है ना तो वैल्यू होती है तो ये आंसर हमारा आ जाएगा अब टेंथ देख लेते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन इंटू वन पॉइंट वन अब देखो वन पॉइंट वन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी और देखो पॉइंट के बाद जीरो वन है तो इसकी भी वैल्यू रहेगी क्योंकि ज़ीरो आगे नहीं होना चाहिए बस आगे है तो उसके आगे नंबर ज़रूर होना चाहिए तो वन ज़ीरो 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 वन फिर वन और ज़ीरो 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 वन तो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन यहाँ पर आ जाएगा वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन पॉइंट के बाद दो नंबर पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि टोटल तीन तो तीन नंबर के आगे हम लोग को पॉइंट लगाना है तो वन टू थ्री यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है तो आंसर आएगा वन वन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन वन ठीक है ये हो गया हमारा आंसर तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ मैथ्स चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर वन हम लोग देख रहे हैं इससे पहले सारी एक्सरसाइजेस कवर हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और हमारा जो दूसरा चैनल है लर्न अभी एक्स्ट्रा वहाँ पर मर्च करके मैं पूरे के पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो के फॉर्म में मैं डाल देती हूँ और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें वहाँ पर आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो देखो क्वेश्चन नंबर वन है ज़ीरो को आपको डिवाइड करना है टू से तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बोला गया है कि ज़ीरो पॉइंट फोर को आपको डिवाइड करना है टू से तो कैसे करता है डिवाइड डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे जीरो पॉइंट फोर लिखेंगे डिवाइड को आप लोग अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो डिवाइड की जगह आप अपॉन लिखेंगे और नीचे लिख देंगे टू अब हमने ये सीखा है इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कि जब पॉइंट हटता है तो नीचे ज़ीरो बढ़ जाता है राइट right? अब ज़ीरो फोर तो कुछ होता नहीं है तो हम इसको लिख देंगे फोर अपॉन ट्वेंटी राइट फोर अपॉन ट्वेंटी लिख देंगे हम लोग फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे काट देंगे टू टू ज़ा फोर और टू वन ज़ा टू और ज़ीरो यानी कि टू टू ज़ा फोर और टू टेन जो ट्वेंटी अब फिर से और कट जाएगा टू वन ज़ा टू और क्या आएगा यहाँ पर टू फाइव जार टेन ये आ जाएगा या फिर हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा टू अपॉइंट टेन बना है ना टू अपॉइंट टेन आप लोगों को यहाँ पर इस वाले चैप्टर में एक जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि देखो टू अपॉइंट टेन बन गया ना अपॉन में अगर टेन आ गया तो आप लोग इसको सिंपली पता क्या लिख दोगे इसको लिख दोगे टू और नीचे क्योंकि एक जीरो है तो टू के आगे पॉइंट लगाओगे इसको आप लिख दोगे ज़ीरो पॉइंट टू ऐसे करके इस चैप्टर में हम लोगों को आंसर्स को छोड़ना है तो हमें इस तरीके की फॉर्म बनानी है कि नीचे ना टेन 10 या हंड्रेड 100 या थाउजेंड मतलब नीचे वन जीरो करके कुछ आ जाए फिर उसके बाद जो ऊपर वाला होगा उसके आगे एक हम लोग पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के आगे ज़ीरो लगा देंगे तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो आएगा ज़ीरो पॉइंट टू अभी हम लोग क्वेश्चन करते चलते हैं है, हमें और अच्छे से समझ में आएगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव डिवाइडेड बाय फाइव सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे 0.35 डिवाइडेड बाय 5 है तो अपॉन 5 क्या करेंगे अगर कट रहा है तो हम काट देंगे अब ज़रा देखो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो नीचे हम दो ज़ीरो बढ़ा देंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 35 फाइव अपॉन फाइव राइट अब सेवन से कट जाएगा सॉरी फाइव से कट जाएगा ना ये तो फाइव सेवन थर्टी फाइव और फाइव वन जो फाइव जीरो जीरो क्या बना सेवन अपॉन हंड्रेड राइट तो मैंने आपको बोला था ना कि नीचे टेन आए हंड्रेड आए बस आगे सॉल्व नहीं करना है इसके आगे हमें क्या करना है सेवन लिखो नीचे दो जीरो है ना तो सेवन के आगे एक जीरो लगेगा और उसके आगे पॉइंट लग जाएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट ज़ीरो सेवन तो पॉइंट के आगे भी हम लोग जीरो लगा देते हैं क्योंकि कन्वेंशन होती है कि जीरो पॉइंट जीरो सेवन इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो ये सेवन अपॉन हंड्रेड आ गया है तो इस फॉर्म में हम लोगों को लेकर के आना होता है इन क्वेश्चन को थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है टू पॉइंट फोर एट डिवाइडेड बाई फोर सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा टू पॉइंट फोर एट अपॉन फोर ठीक है पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ा दोगे तो क्या बन गया ये हमारा अपारा बन गया टू फोर्टी एट अपॉन फोर हंड्रेड इसको काटोगे आप लोग किससे काटोगे फोर से कट जाएगा देखो फोर वन ज़ा फोर और जीरो ज़ीरो फोर एट जा सॉरी फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर और फोर टू जा एट तो क्या बना सिक्सटी टू अपॉन हंड्रेड अब क्योंकि नीचे हंड्रेड था तो दो नंबर के आगे पॉइंट आएगा तो सिक्सटी टू यानी कि दो नंबर के आगे पॉइंट और फिर इसके आगे पॉइंट के आगे तो हम जीरो ऐसे लगा देते हैं तो आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू ठीक है फोर्थ पार्ट देखते हैं सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय सिक्स सेम प्रोसेस फॉलो करना है फिर से सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर अपॉन सिक्स पॉइंट हटा देंगे और नीचे बढ़ा देंगे ज़ीरो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स फिफ्टी फोर अपॉन सिक्सटी हो जाएगा ये अब क्या करोगे सिक्स से काट दो सिक्स टेन जा सिक्सटी होता है सिक्स वन जा सिक्स है ना और फिर उसके बाद सिक्स की टेबल में फिफ्टी फ़ोर कितने टाइम्स आता है देखो ऐसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ सिक्स वन ज़ा सिक्स ठीक है अब फाइव तो कटेगा नहीं फ़ाइव की छोटा है सिक्स से तो इसलिए हम ज़ीरो बढ़ा देंगे और सिक्स नाइन ज़ा फिफ्टी फ़ोर तो ये पूरा कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा वन जीरो नाइन ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं ज़ीरो क्यों लगाते हैं क्योंकि दो नंबर एक साथ हम लोगों को लेने पड़ रहे हैं ना और ये सिंगल डिजिट है इसलिए चलो तो हमारे पास आ गया वन ज़ीरो नाइन अपॉन टेन अपॉन में टेन आ गया तो अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग अब हम पॉइंट्स लगा देंगे वन ज़ीरो नाइन और क्योंकि नीचे एक जीरो था तो एक के आगे पॉइंट जितने ज़ीरो होंगे उतने नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा बस ये करना होता है फिफ्थ पार्टन में हमें बोला गया है देखो सिक्स फाइव वन पॉइंट टू डिवाइडेड बाय फोर सिक्स फाइव वन पॉइंट टू अपॉन फोर पॉइंट हटेगा ज़ीरो बढ़ जाएगा ठीक है तो सिक्स फाइव वन टू अपॉन फोर्टी तो काटो देखो फ़ोर से कट जाएगा ये फोर जा फोर फोर सिक्स जा ट्वेंटी फ़ोर और ये फिर कैरी नीचे वन आएगा फिर एक और कैरी हम लोगों को नीचे वन उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को देखो इस तरीके से हमें क्या पढ़ना यहाँ पे ट्वेंटी फ़ोर आ गया वन बच ठीक है वन तो एक सेकेंड रुको यहाँ इसका वन बचा था और ये वाला वन भी नीचे आ गया तो यहाँ पे फिर से हमें फोर टू ज़ा एट करना पड़ेगा थ्री फिर से ये वाला टू भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे तो फोर एट ज़ा थर्टी टू तो ये हमारा फोर से काट लिया हमने इसको तो फोर से काटा तो हमारा काटने के बाद क्या आया ये आया वन सिक्स टू एट और ये फोर टेन ज़ा फोर्टी तो ये हुआ वन सिक्स टू एट अपॉन टेन है ना अब क्योंकि नीचे एक ही ज़ीरो था तो ऊपर एक के ही आगे पॉइंट लगेगा यह हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ सॉरी फिफ्थ हो गया अब हम सिक्स देखते हैं सिक्स है वन फोर पॉइंट फोर नाइन डिवाइडेड बाय सेवन वन फोर पॉइंट फोर नाइन डिवाइडेड बाय सेवन तो चलो वन फोर पॉइंट फोर नाइन अपॉन सेवन पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो नीचे भी दो नंबर आ जाएंगे अब इसको सेवन से काट दो वन फोर फोर नाइन को सेवन से काटो तो. तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन है ना अब उसके बाद पूरे दो नंबर बचे हैं तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा और सेवन सेवन ज़ा फोटी नाइन तो यहाँ पे ये यह आ जाएगा टू ज़ीरो सेवन और ये आ जाएगा वन डबल ज़ीरो टू जीरो सेवन अपॉन हंड्रेड क्योंकि दो ज़ीरो हैं तो दो नंबर के आगे पॉइंट लगेगा दो नंबर के आगे पॉइंट तो आंसर आ गया हमारे पास 2.07 तो 2.07 हमारा आंसर हो गया सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं 3.96 पॉइंट नाइन 4 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट नाइन पॉइंट हटाया दो जीरो पड़ा क्योंकि पॉइंट के आगे दो नंबर थे अब थ्री नाइन्टी सिक्स को हम फोर से काट देंगे तो फोर एट ज़ा क्या हो जाएगा नहीं फोर नाइन ज़ा ही कटेगा तो पूरा फ़ोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स है ना? और फिर से फ़ोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स तो यहाँ पे तो ये नाइन्टी नाइन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वन डबल ज़ीरो तो हमारा यहाँ पे हुआ 99 नाइन 100 तो क्योंकि दो ज़ीरो थे तो इसलिए दो नंबर के आगे लगेगा पॉइंट तो ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर टू में भी बच्चों बिल्कुल सेम तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो डिवाइडेड बाय फाइव एन सेम सेम चीज़ों को कितना रिपीट करवाती है ना मतलब कई बार तो लगता है कि क्या यार पॉइंट हटाया ज़ीरो बढ़ाया तो ये हो जाएगा एट्टी अपॉन फिफ्टी ठीक है अब काट दो देखो वैसे तो फिफ्टी से काटते हैं तो क्या आएगा फिफ्टी जा, फिफ्टी बचेगा थर्टी तो इस तरीके से तो ये हमारा नहीं कटना है तो हम लोग इसको कैसे काटेंगे देखो सिंपल सा तरीका है इसको काटने का फाइव जीरो से जीरो आप इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में काट देंगे ओके okay, सॉरी एक जीरो और बढ़ेगा बच्चों मैंने लास्ट में ना सिर्फ सिंगल जीरो बढ़ाया क्योंकि दो नंबर थे तो दो जीरो बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एट अपॉन फाइव हंड्रेड राइट तो यहाँ पे हम लोगों का आएगा इस तरीके से टू फोर जा एट और फाइव हंड्रेड को देखो आप टू से काटोगे तो क्या होगा टू टू ज़ा फोर टू फाइव ज़ा टेन है ना और टू फिफ्टी तो फोर अपॉन टू फिफ्टी हो जाएगा अब फिर से टू से काटोगे टू टू ज़ा फोर हम्म और टू फिफ्टी को काटोगे तो आप लोग आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव अब ये हमारा जो है टू अपॉन वन ट्वेंटी फ़ाइव आ गया अब इसको हम लोग और फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स इसको फर्दर आप लोग इस तरीके से काटेंगे वन ट्वेंटी फाइव को टू से करेंगे तो फिर वही जो है पॉइंट लगाना पड़ेगा फिर ज़ीरो बढ़ेगा फिर उसके बाद एक और ज़ीरो बढ़ेगा फिर वन टाइम जाएगा इस तरीके से डिवाइड होगा तो ये वाला तरीका हो गया या फिर एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ ये कैसे सोल्व कर सकते हैं और इससे भी इजी तरीका ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोल्व हो रहा है ज़ीरो पॉइंट एट फाइव है आप देखो ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो है आप डायरेक्ट इसको ना फाइव से काट सकते हो डायरेक्ट बिल्कुल फाइव सिक्स थर्टी और ये पॉइंट दो के आगे एज इट इज रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग ये भी तरीका होता है पॉइंट नहीं लगाओ डायरेक्ट फाइव से पॉइंट एट जीरो को बिल्कुल डायरेक्ट काट दो तो जीरो पॉइंट वन सिक्स आ जाएगा हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवंथ मैथ्स चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टू इतने सारे इन्होंने पार्ट्स बना रखे हैं ना तो मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है तो क्वेश्चन नंबर टू में हमें फ़र्स्ट पार्ट में बोला गया है कि 4.8 को आप 10 से डिवाइड करो तो 4.8 डिवाइड जो है उसके लिए आप क्या करते हैं अपॉन लगा देते हैं 10। तो देखो भाई ये अपना इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको ज़ीरो की शिफ्टिंग सिखाई जा रही है कैसे फोर है और नीचे अपॉन में टेन है तो आप पॉइंट हटाओगे ज़ीरो बढ़ाओगे है ना ये करोगे पॉइंट हटाया ज़ीरो बढ़ाया तो फिर उसके बाद अब आपके पास क्या आएगा फोर एट अपॉन वन डबल ज़ीरो आया तो नीचे दो जीरो थे तो दो नंबर के आगे आप लोग क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर एट या फिर अगर आपको बहुत ही क्विकली करना है तो जब भी आप देखें कि नीचे डिवाइड में टेन है तो सॉल्व मत करो पॉइंट को एक शिफ्ट और आगे कर दो बस तो इस फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.48 आप लोगों को आया समझ क्या हुआ है यहाँ पर पॉइंट फोर पॉइंट एट था पॉइंट टेन था पॉइंट हटाया ज़ीरो बढ़ाया नीचे दो जीरो आ गए तो दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा ठीक है चलो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं फो फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टेन सेम प्रोसेस फॉलो होगा फिफ्टी टू पॉइंट फाइव अपॉन टेन पॉइंट हटाएंगे एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे तो अब देखो कितने ज़ीरो हो गए अब नीचे दो ज़ीरो हो गए अब क्योंकि नीचे दो ज़ीरो बन गए हैं तो इसलिए दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा दो नंबर के आगे पॉइंट यानी कि फाइव पॉइंट टू फाइव थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है जीरो पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय टेन देखो इसका आंसर जो है ना वो आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन क्यों क्योंकि भाई देखो पॉइंट लगा हुआ है और नीचे डिवाइड में टेन है तो ये पॉइंट और आगे खिसक जाएगा मैं आपको करके दिखाती हूँ पॉइंट हटेगा नीचे एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा तो ये बन गया सेवन अपॉन हंड्रेड तो ये क्या होगा सेवन क्योंकि नीचे दो जीरो हैं तो दो नंबर के आगे पॉइंट तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन आ जाएगा फोर्थ पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट में है थर्टी थ्री पॉइंट वन थर्टी थ्री पॉइंट वन डिवाइडेड बाय टेन तो थर्टी थ्री पॉइंट वन अपॉन टेन पॉइंट हटाएगा जीरो बढ़ा देगा नीचे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाला ये आ गया हमारे पास थ्री थ्री वन अपॉन हंड्रेड क्योंकि नीचे दो ज़ीरो थे इसलिए दो नंबर के आगे पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री वन फिफ्थ पार्ट टू फिफ्थ पार्ट है हमारा टू सेवेंटी टू पॉइंट टू थ्री डिवाइडेड बाय टेन ये करना है सब में यार बोरिंग सा सच में मेरे को भी बोरिंग लग रहा है अपॉन टेन पॉइंट हटाएंगे दो नंबर तो दो जीरो अब क्योंकि तीन जीरो थे तो तीन नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा वन टू थ्री तो आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू टू, टू, टू थ्री जीरो पॉइंट फाइव सिक्स डिवाइडेड बाय टेन अपॉन टेन पॉइंट हटाया पॉइंट के आगे दो नंबर थे तो नीचे दो ज़ीरो बढ़ जाएंगे यह आ जाएगा फिफ्टी सिक्स अपॉन एक दो तीन तो क्योंकि तीन जीरो हैं तो ऊपर के तीन नंबर के आगे पॉइंट लगेगा तो हम एक जीरो बढ़ाएंगे फिर पॉइंट लगा देंगे तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव सिक्स ये हो गया सिक्स पार्ट अब देखते हैं सेवन पार्ट थ्री पॉइंट नाइन सेवन डिवाइडेड बाई टेन तो थ्री पॉइंट नाइन सेवन अपॉन टेन पॉइंट के बाद दो नंबर है तो पॉइंट हटाओगे और दो ज़ीरो बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा थ्री नाइन सेवन अपॉन वन टू थ्री वन थाउजेंड तो तीन नंबर के तीन जीरो हैं तो तीन नंबर के आगे पॉइंट लगेगा तीन नंबर के आगे पॉइंट और ज़ीरो तो ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन सेवन ये हमारे सारे के सारे सेवन पार्ट्स हो गए अब हम लोग देख लेते हैं चलो क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल सेम चीज़ करनी है क्वेश्चन नंबर थ्री में भी इसमें क्योंकि सब पे टेन था और क्वेश्चन नंबर थ्री में सबके नीचे हंड्रेड लगा रखा है तो टू पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय हंड्रेड क्योंकि दो ज़ीरो हैं तो दो नंबर के आगे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टू पॉइंट सेवन अपॉन हंड्रेड पॉइंट हटाएँगे ज़ीरो बढ़ा देंगे ट्वेंटी सेवन अपॉन वन थाउजेंड तो वन टू दो नंबर और इसके आगे एक और ज़ीरो और उसके आगे पॉइंट क्योंकि तीन जीरो थे नीचे और यहाँ पे ज़ीरो तो इस वाले जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन इस वाली ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा तो लगाया मैंने इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड होता है अपॉन हंड्रेड पॉइंट हटाओगे ज़ीरो बढ़ा दोगे क्या आ गया अब देखो ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसलिए सिर्फ थ्री लिख रही हूँ मैं अब अब क्या लिखेंगे तीन नंबर के आगे लगाना है थ्री एक दो और फिर इसके आगे पॉइंट ये भी छोड़ सकते हो बट स्टैंडर्ड ये होता है कि इसके आगे भी ज़ीरो लगा दो सब में सेम ही करना है बिल्कुल अपॉन हंड्रेड तो भाई पॉइंट हटाओ नीचे ऑलरेडी दो जीरो थे तो दो ज़ीरो और बढ़ा दो सेवन एट और एक दो क्योंकि चार ज़ीरो थे ना तो चार डिजिट के आगे लगेगा पॉइंट फोर्थ पार्ट देख लो भाई फोर्थ पार्ट पे हमें बोला गया है फोर थ्री टू पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड अपॉन हंड्रेड पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ा देंगे नीचे तीन जीरो हैं तो हम तीन नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे फोर पॉइंट थ्री टू सिक्स फिफ्थ पार्ट देखते हैं टू थ्री पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड हटा देंगे तो ये दो ज़ीरो तो पहले से थे एक और ज़ीरो आ जाएगा अब तीन नंबर के आगे हमें पॉइंट लगाना है तीन नंबर के आगे पॉइंट लग गया लास्ट पार्ट नाइन्टी एट पॉइंट फाइव थ्री डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो नाइन एट पॉइंट फाइव थ्री अपॉन हंड्रेड पॉइंट हटाएंगे दो और ज़ीरो बढ़ा देंगे तो हम अब चार जीरो हैं तो चार नंबर के आगे पॉइंट आएगा जीरो पॉइंट नाइन एट फाइव थ्री तो ये हमारे हो गए थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ मैथ्स चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर जो ये टू थ्री ये सारे के सारे सेम है इसमें हमने सबको टेन से डिवाइड किया था यानी कि पॉइंट एक आगे लगाया था अब क्योंकि तीन जीरो है तो पॉइंट तीन आगे लग जाएगा तो कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर फाइव ये सारे के सारे ना सेम ही हैं ज़्यादा कुछ इनमें डिफरेंस है नहीं क्वेश्चन नंबर फोर का हम लोग देखते हैं पहला पार्ट इसमें हमें बोला गया है सेवन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड तो हम क्या करेंगे सेवन पॉइंट नाइन अपॉन वन थाउजेंड पॉइंट हटाएंगे ज़ीरो बढ़ा देंगे सेवेंटी नाइन ठीक है अब कितने जीरो हैं एक दो तीन चार चार जीरो है ना तो चार नंबर्स के आगे हमें पॉइंट लगाना है तो ये तो दो नंबर है इसके आगे दो ज़ीरो और लिखेंगे और उसके आगे लगा देंगे पॉइंट और फिर पॉइंट के आगे एक और जीरो क्योंकि यही कन्वेंशन होती है तो आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सेवन नाइन सेकेंड पार्ट है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री अपॉन वन पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो फिर से चार नंबर्स के आगे पॉइंट थर्ड पार्ट देखते हैं थर्टी एट पॉइंट फाइव थ्री डिवाइडेड बाय वन थाउजेंट तो थ्री एट पॉइंट फाइव थ्री अपॉन वन थाउजेंट पॉइंट हटाएंगे दो जीरो बढ़ा देंगे तो थ्री एट फाइव थ्री अब नीचे कितने ज़ीरो हो गए हैं फाइव ज़ीरो तो यानी कि पाँच नंबर के आगे हम लोग को पॉइंट लगाना है तो ये चार नंबर है एक जीरो लगा देंगे और पॉइंट बस ऐसे कर देंगे फोर्थ पार्ट देखते हैं वन टू एट पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड वन टू एट पॉइंट नाइन अपॉन वन थाउजेंड लिखेंगे हम पॉइंट हटा देंगे तो एक और ज़ीरो हमारा नीचे बढ़ जाएगा अब चार ज़ीरो हो गए हैं तो चार नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है तो वन टू एट नाइन के आगे लगेगा पॉइंट और ज़ीरो तो ज़ीरो पॉइंट वन टू एट नाइन ये हो जाएगा फिफ्थ हो गया अपना ज़ीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन तो वही ज़ीरो पॉइंट फाइव अपॉन वन थाउजेंड हो जाएगा तो पॉइंट हटाएंगे एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे तो चार जीरो है बट ये तो सिर्फ फाइव है इसके आगे तीन जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि एक दो तीन चार चार नंबर के आगे हम लोगों ने पॉइंट लगाना है तो ये तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फाइव में भी यही करना है बट थोड़े से डिवाइड भी करना है उसमें तो सेवन डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट फाइव तो इसको आप कैसे लिखेंगे देखो सेवन अपॉन थ्री पॉइंट फाइव तो इसको ना आप प्रॉपर ना डिवाइड कर दो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो सेवन वन तो जा सेवन और सेवन की टेबल में थर्टी फाइव कितने टाइम्स आता है फाइव टाइम्स तो सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव इस तरीके से आप लोग लिख दो इसको राइट right? और क्योंकि एक नंबर के पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक नंबर के आगे आ जाएगा पॉइंट फिर ये हटा करके आप ऐसे लगा देंगे और टू तो ये एक तरीका है दूसरा तरीका जो कि ये वाला इजी वाला तरीका था मतलब फास्ट करने का अब आपको जो सिंपल सा धीरे धीरे करने वाला तरीका है वो बताती हूँ पॉइंट हटाओ ज़ीरो बढ़ा दो सेवेंटी अपॉन थर्टी फाइव बचा अब थर्टी फाइव टू ज़ा होता है सेवेंटी सिंपल, थर्टी फाइव टू जा सेवेंटी तो आंसर इज टू सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट है थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट टू तो वही पॉइंट हटाएंगे ज़ीरो बढ़ा देंगे तो थ्री सिक्सटी अपॉन टू तो टू वन ज़ा टू टू थ्री और टू एट जिक्सटीन और ज़ीरो यानी कि वन एटी थर्ड पार्ट थ्री पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट फाइव अब भाई देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ेगा यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो जीरो बढ़ेंगे है ना क्योंकि दो थे अब ये हो गया थ्री टू फाइव ज़ीरो और ये हो गया ये पॉइंट हट चुका है क्योंकि ये फाइव डबल ज़ीरो पहले तो ज़ीरो से ज़ीरो काटो ठीक है फिर उसके बाद आप करेंगे क्या फ़ाइव से काटोगे फ़ाइव वनजा फाइव और ज़ीरो और फिर उसके बाद फाइव सिक्स जो थर्टी और फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव तो अब आ गया सिक्सटी फाइव अपॉइन्ट टेन सिक्सटी फाइव टेन को आप लिखेंगे सिक्स पॉइंट फाइव क्योंकि नीचे एक जीरो है तो बीच में एक ज़ीरो आ जाएगा फोर्थ थर्टी पॉइंट नाइन फोर डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट सेवन थर्टी पॉइंट नाइन फोर अपॉन जीरो पॉइंट सेवन पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे दो जीरो बढ़ जाएंगे और ऊपर एक बढ़ेगा ठीक है अब ज़ीरो से ज़ीरो काट दो अब आप इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ पर देखो थ्री ज़ीरो नाइन फोर अपॉन सेवेंटी अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो सेवन से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट और सेवन टू ज़ा फोरटीन तो हमारे पास बचेगा और ये नीचे टेन बचेगा तो ये हो जाएगा फ़ोर फोर टू अपॉन टेन तो फोर फोर पॉइंट टू डिवाइड करना है काटना है तो सिंपल सा ना इसलिए मैंने जल्दी करके दिखा दिया आपको फिफ्थ पार्ट है जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट टू फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव अपॉन ज़ीरो पॉइंट टू फाइव पॉइंट हटाओगे एक बढ़ा हटा जीरो बढ़ा दोगे पॉइंट हटाओगे ऊपर दो ज़ीरो बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा फाइव डबल ज़ीरो अपॉन में टू फाइव जीरो ये हो जाएगा ठीक है चलो ज़ीरो से ज़ीरो काट दोगे अब तो इधर बचेगा फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी फाइव तो ये तो टू ही हो जाएगा सीधा तो आंसर आ गया फिफ्थ वाले का टू ठीक है सिक्स पार्ट देखते हैं सिक्स पार्ट है सेवन पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट टू फाइव सेवन पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट टू फाइव देखो पॉइंट के बाद दो नंबर पॉइंट के बाद दो नंबर ये तो सीधा सीधा पॉइंट से पॉइंट ही कट गया ये हो गया आप सेवन सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव से जब आप सेवन सेवेंटी फाइव को डिवाइड करोगे तो ट्वेंटी फाइव थ्री फाइव और ट्वेंटी फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव तो आंसर आ जाएगा आपके पास थर्टी वन देखो काट के देख लो ना यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव फिर यहाँ पे बचा ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव तो आंसर आ गया थर्टी वन तो सिक्स्थ पार्ट का आंसर आ गया हमारा थर्टी वन अब हम देख लेते हैं सेवन्थ पार्ट सेवेंथ पार्ट जो है वो है इसमें हमारे नौ पार्ट है टोटल तो सेवेंथ बस ऑलमोस्ट एंड पे पहुँच ही गए हैं ज़ीरो पॉइंट वन फाइव अपॉन ज़ीरो पॉइंट वन फाइव फिर से वही पॉइंट हटाओगे यहाँ एक ज़ीरो और यहाँ पर दो जीरो बढ़ा दोगे सेवन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो और वन फाइव ज़ीरो जीरो से ज़ीरो कट जाएगा अब फिफ्टीन से काटोगे आप लोग इसको सेवन सिक्सटी फ़ाइव को सेवन सिक्स फ़ाइव जीरो को फ़िफ्टीन से काटोगे तो फिफ्टीन थीजा फोर्टी फाइव फिफ्टीन फ़ाइव टाइम्स जाएगा इसमें फ़िफ्टीन फ़ाइव ज़ा सेवेंटी फ़ाइव फिफ्टीन थीज़ा फिफ्टीन जा फिफ्टीन सॉरी फ़िफ्टीन वन ज़ा फ़िफ्टीन और ज़ीरो तो यह यहाँ पे आ जाएगा फाइव हंड्रेड टेन तो इसको काट के सिंपल सा फाइव हंड्रेड टेन आंसर आ गया एट्थ पार्ट देखो थ्री सेवन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फोर तो थ्री सेवन पॉइंट एट अपॉन वन पॉइंट फोर तो ये पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद एक तो कट गए अब डायरेक्ट इसको फोर्टीन से काट दो तो। तो थ्री सेवेंटी एट फोर्टीन से कटेगा तो 14 से आप कटोगे तो 14 टू जो ट्वेंटी एट तो इधर आएगा सेवनटीन में से एट जाएगा तो कितना बचेगा नाइन और फिर हमारा फोर्टीन सेवन जो नाइन्टी एट तो हमारे पास ट्वेंटी सेवन आ गया एट्थ वाले का आंसर थोड़े से टेबल्स याद होते हैं ना तो जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन टू पॉइंट सेवन थ्री डिवाइडेड by 1.3 2.73 थ्री टू पॉइंट सेवन अपॉन वन पॉइंट थ्री नीचे दो ज़ीरो बढ़ा देंगे पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा तो बचेगा 273 सेवेंटी थ्री अपॉन वन थर्टी यहाँ पर ये यह थोड़े से ना मैंने बड़े करके ऐसे करके काट दिए तो ज़्यादा बड़े लगते हैं ठीक है 273 और वन तो भाई थर्टीन से कटेगा टू सेवेंटी थ्री और वन थर्टी वन थर्टी टू से काटूँ मैं तो सिक्स और टू टू सिक्सटी तो टू जा टू सिक्सटी थर्टीन अच्छा फिर पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो बढ़ा देंगे और फिर वन टाइम्स तो टू पॉइंट वन हमारे पास आंसर आ जाएगा टू पॉइंट वन आ गया हमारा आंसर तो ये वाले हमारे सारे के सारे हो गए पार्ट्स इसके अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है जल्दी तो नहीं कर दिया बच्चों अगर देखो आपको ना थोड़ा सा जल्दी लगता है ना तो आप ना रिपीट करके देख लिया करें क्योंकि सॉल्व करने का यही तरीका है और मतलब रिपीटेशंस होते हैं एक ही क्वेश्चन को बार 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 सेम ही चीज़ सॉल्व करनी हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा रिपीटेशन में करने की वजह से ये हो जा रहा है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स है द वहीकल कवर्स डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन वन लीटर ऑफ पेट्रोल तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि भाई 2.4 लीटर पेट्रोल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये कर रहा है 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो भाई वन लीटर पेट्रोल कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो वन लीटर पेट्रोल जो है वो आप कैसे करेंगे फोर्टी थ्री पॉइंट टू को टू पॉइंट फाइव से डिवाइड कर देंगे ठीक है फोर्टी थ्री पॉइंट टू को टू पॉइंट फोर से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि भाई एक लीटर पेट्रोल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एक लीटर कितना कर रहा है 43 देखो पॉइंट से तो मैंने पॉइंट काट दिया तो फोर थर्टी टू अपॉन ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फोर से आप इसको काट दो तो देखो यहाँ पे काट लेते हैं फोर थर्टी टू और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ोर वनजा ट्वेंटी फोर थर्टीन में से फोर जाएगा एक सेकेंड ट्वेंटी फोर टू सा कितना होता है फोर्टी एट हो जाएगा अच्छा हाँ बड़ा ही हो जाएगा ठीक है तो वन टाइम ही जाएगा थर्टीन में से फोर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा नाइन बचेगा और इधर हमारा बचेगा और थ्री में से टू जाएगा वन फिर उसके बाद हमारा टू फिर से नीचे उतर जाएगा तो ट्वेंटी फ़ोर एट टाइम्स करके देख लेते हैं ट्वेंटी फोर एट फोर फोरज़ा थर्टी टू एट टू जो सिक्सटीन सेवेंटीन एटी नाइनटीन वन नाइन्टी टू ठीक है तो एट टाइम्स कट जाएगा ट्वेंटी फ़ोर एट जो आ जाएगा वन नाइन्टी टू ट्वेंटी फोर एट्सा वन नाइन्टी टू और हमारा ये हो गया सॉल्व तो आंसर आ गया एटीन तो एटीन किलोमीटर चल जाएगा कैसे कराइए कि वहीकल जो है ना वो फोर्टी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर चल रहा है टू पॉइंट फोर लीटर में तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक लीटर पेट्रोल में तो जब भी ऐसा निकालना होता है कि कम वाला हमें निकालना है ज़्यादा वाली क्वांटिटी दे रखी है तो हम डिवाइड कर देते हैं इसलिए हम लोगों ने 43.2 को 2.4 से डिवाइड कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया कि भाई वो 18 किलोमीटर चल लेगा ये हो गई हमारी एक्सरसाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू